Assalamualaikum, good morning Karachi, good morning Pakistan. मैं हूँ आपकी होस्ट शिदा सैफी और मैं हूँ मोहम्मद यासर जी. हमारा सबके साथ बन जाते हैं सुबह 9 से 11 बजे तक मंडे टू फ्राइडे. और आज भी आपके सामने मौजूद है बहुत सारी खबरों, तबसरों, बेबाक तब्जों के साथ. कैसे आप तमाम सर लोग ठीक हो, खुश हो, बखैर हो, आफियत हो, यही हमारी दुआ होती है हमेशा से, क्योंकि प्रोग्राम आपका है, आपसे चलता है और आप की खैर आफियत पूछना, दरियाफ्त करना सबसे पहले बड़ा जरूरी होता है. बिल्कुल आपने ठीक कहा. और आपकी गैर मौजूदगी में बहुत सारे पैगाम आए, बहुत सारे लोगों की कॉल्स आईं, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि रिदा जो है वो कहाँ चली गई. तो फाइनली शी इज हियर नाउ और बहुत सारी बातें बताएंगी भी. बड़ा अच्छा जो है उनका टूर रहा है, खासतौर पर टर्की का, जिसके ऊपर कल हमने बात की है, उसके ऊपर भी आज आपको बताएंगे. बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस किए और इसके अलावा खबरों के हवाले से कल बड़ी गुफ्तगू हुई, बहुत सारे सवाल आए, बहुत सारी खबरें हैं जिसके ऊपर गुज़िश्ता प्रोग्राम में वक्त की कमी की वजह से बात नहीं हो सकी, तो आज उसके ऊपर भी खास तौर पर गुफ्तगू होगी. बिल्कुल आपने ब्रीफली बता दी सारी बात और साथ ही साथ मुल्क की सूरत हाल पर भी हमारी नजर थी, चाहे कहीं भी हूँ लेकिन मुल्क की मामलात पर नजर रहती है और मुल्क की मामलात में भी बहुत सारी हलचल करवा दी आपने, है मैंने सुना. और जो है सबसे पहले चले आज बात कर लेते हैं ना सिर्फ मुल्क में जो हालात हो रहे हैं बल्कि मुल्क से बाहर भी जो हालात हो रहे हैं. मैं अपनी सारी चीजों तो आपसे शेयर करती ही रहूंगी वक्तन प्रोग्राम में भी, लेकिन बात कर लेते हैं खबरों की. मकबूजा बैतुल मकदस एहतजाज शहदा की तादाद जो है वो 48 से भी ज्यादा तजावुज कर गई है, 55 से ज्यादा बल्कि तजावुज कर गई है. और अमरीकी सफारत खाने की मकबूजा बैतुल मकदस मुंतकली के खिलाफ एहतजाज करने वाले फलस्तीनियों पर इसराइली फोर्सेज की वहशियाना फायरिंग हुई है और गोलाबारी से शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है. 55 से ज्यादा ही बता रहे हैं लोग हैं जो कि शहीद हुए हैं और ये एक अफसोसनाक इस वक्त अमल है. बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये आलमी ज़राए इब्लाग के ऊपर पूरी दुनिया के लिए इस वक्त सबसे बड़ी खबर भी है, बड़ी अफसोसनाक खबर है. कल के रोज़ यानी गुज़िश्ता रोज़ जब अमरीकी सिफारतखाना इसराइल जो है वो यरूशलम में उसका जो कैपिटल बनाया गया, उसको तस्लीम किया गया और वहाँ पर अपनी एम्बेसी को खोलने की जो तकलीफ थी, अमरीकी सदर उसमें जो है वो शरीक हुए और इस मौके पर फलस्तीनियों की जानिब से जो है वो बड़ा शदीद एहतजाज किया गया, जिसके ऊपर बड़ी ही वहशियाना तरीके से इसराइली फोर्सेस की जानिब से मजलूम फलस्तीनियों के ऊपर जो है वो स्ट्रेट फायर किए गए, जिसमें तकरीबन 58 लोग बताया जा रहा है कि शहीद हुए और 16 उसमें बच्चे जो हैं वो शामिल हैं. और इसकी तादाद में अभी अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि मजीद इजाफा हो रहा है, क्योंकि इसमें जख्मियों की भी बहुत बड़ी तादाद है. और गुज़िश्ता रात से अब तक जो सिलसिला रहा है वो ये कि जो चंद एक बड़े ममालिक हैं उन्होंने अपने सफारतकारों को अब इसराइल से वापस बुलाना शुरू कर दिया है, जिसमें साउथ अफ्रीका के एम्बेसडर शामिल हैं. इसके अलावा टर्की की जानिब से सबसे पहले इनिशिएटिव लिया गया, उन्होंने अपना सफारतकार जो है वहां से वापस बुलाया है. तो ये अब तक की सूरत हाल है जी. बिल्कुल जी, और आपने बिल्कुल सही कहा कि वहां से एम्बेसडर अपना बुला लिया और तुर्की का ये बड़ा इकदाम था जी जो उन्होंने किया. और यही चीज अभी इस वक्त अशद जरूरत है कि प्रैक्टिकली ग्राउंड पे हमें चीजें करनी है. बोलते तो हम सब है, बातें तो हम सब करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब तक कोई चीज नहीं करेंगे, जब तक फील्ड पे कोई चीज नजर नहीं आएगी, अनटिलस कोई फायदा नहीं है इतनी बातें करने का. दूसरी जानब अगर बात करें हम अपने मुल्क की, पाकिस्तान का बड़ा कलीदी किरदार हो सकता है, मैं दोबारा कहूंगी, पाकिस्तान का बड़ा कलीदी किरदार हो सकता है. पाकिस्तान अपना किरदार बहुत बेहतर तरीके से निभा सकता है और चाहे वो अक़्वामे मुत्तहिदा हो वहां पर या फिर आलमी मंजरनामे में जो मुसलमानों के इस वक्त मुस्लिम ममालिक हैं उनको जो दरपेश मसाइल हैं उसके लिए पाकिस्तान बहुत अच्छे से स्टैंड ले सकता था, ले सकता है. लेकिन वेरी 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 अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन है और सिनेरियो है, जिसको जिस तरह से एक कहेंगे कि एक खराब सी सूरत हाल जो इस वक्त नजर आ रही है और जो एक डिस्टर्बिंग सी सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर, उसकी वजह से पाकिस्तान अपने मसाइल से बाहर नहीं निकल रहा, तो वो बाहर क्या करेगा. बड़ा अच्छा एनालिसिस आपका है, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो अंदरूनी मामलात हैं वो इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं, इतने ज्यादा कंसर्न है, खासतौर पर इस जो पोलिटिकल टर्मोइल है इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजें जो है वो मुश्किल होती जा रही है. और बिलखसूस इस वक्त जो पूरी दुनिया की नजरें वो पाकिस्तान पर हैं और यकीन पाकिस्तान की बड़ी एक जोग्राफियाई एक हैसियत है, एक अहमियत है, और बहैसियत मुस्लिम ममालिक के एक मुसलमान मुल्क के पाकिस्तान वाहिद एटमी ताकत है. इस वजह से भी पूरी दुनिया की जो उम्मीदें हैं उसका मरकज है और इसके ऊपर भी बड़ी तफसील से गुफ्तगू करेंगे. और जैसे आपने कहा पाकिस्तान का क्या किरदार होना चाहिए, यकीन पाकिस्तान का किरदार बड़ा अहम है इस खत्ते के लिए, ना सिर्फ इस खत्ते के लिए बल्कि मिडिल ईस्ट की जो इस वक्त सिचुएशन है उसके लिए भी पाकिस्तान का किरदार जो है वो बड़ा अहम है. बिल्कुल आपसे कम मजीद खबरों की बात करें, आपको बताया कि नवाज शरीफ अब कौम को सच बताएंगे, इसी में कौम की बका है. ये स्टेटमेंट है राना सनाउल्लाह का जो कि सूबाई वजीर कानून है. उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ सच बताएं, कौम को सच ही में इस कौम की बका है. शहबाज शरीफ ने कोई तरदीद नहीं की, नवाज शरीफ के बयान को गलत तनाजुर में तोड़ मोड़ कर पेश किया गया है
और बिल्कुल ऐसा पहले भी बहुत दफा मुतअद्दिद बार हुआ है कि स्टेटमेंट्स कुछ और दिए हैं और उनको हमारे यहाँ हमारे ही कुछ लोगों ने उनको गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया है स्क्रीन पर। बिल्कुल जी, और कल के दिन भी इस बयान के हवाले से, इंटरव्यू के हवाले से जितने भी माहिरीन हैं, जितने भी सियासी तज़ज़ियाकार हैं, इसको ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हुए नज़र आए। बहरहाल अब इसकी जानिब से इस स्टेटमेंट के ऊपर, इस बयान के ऊपर, इस इंटरव्यू के बाद मुस्लिम लीग नून की क्या पोजीशन है वो हमने देख ली। कल के रोज़ भी राना सनाउल्लाह साहब जो पंजाब के वज़ीर क़ानून हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है और बड़ी बोल्ड और ब्लंट स्टेटमेंट है, और ये हालात को किस तरह लेकर जा रही है एक बड़ा अहम सवाल है, इसके ऊपर भी आज बड़ी तफसील से गुफ्तगू करेंगे। कल ही एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेशी के मौके पर साबिक वज़ीर आज़म ने एक मौके पर सहाफी के सवाल पर अपनी साहबजादी मरीम नवाज को बोलने से रोक दिया। सहाफी ने नवाज शरीफ से सवाल किया था कि नॉन स्टेट एक्ट से मुतालिक आपके अपने बयान पर क्या आप कायम है, जिस पर उनकी साहबजादी मरीम नवाज ने कहा था कि फिर आपने ज़र्ब अज़ब किन के खिलाफ किया। तो मरीम नवाज ने जैसे ही बोलना चाहा उनके वालिद मियां नवाज शरीफ ने उन्हें बोलने से रोक दिया और हिदायत की कि आप नहीं बोलें। बिल्कुल जी, इस तरह के कल वाकयात रहे, और ख़ास तौर पे जब कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ उसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी इसी इसके हवाले से जो है अपनी स्टेटमेंट दी, इस बयान की मसम्मत भी की, सब कुछ हुआ। लेकिन उसके बाद साबिक वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ जो पार्टी के कायद हैं उनसे मुलाकात हुई, और मुलाकात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उन्होंने कंडक्ट की, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो नहीं टेलीकास्ट की गई, ये भी एक बड़ा आम सवाल है। तो इस तरह की बहुत सारी स्टेटमेंट गुज़िश्ता रोज़ भी रही और बहुत सारे लोगों को जो है वो बोलने से जो है वो हमने देखा के पाबंद भी किया गया। बहरहाल ये कल चीजें जो हम मीडिया के ऊपर गर्दिश करती रही। बिल्कुल, चीनी कंपनी की बात कर लेते हैं कि 1 अरब 20 करोड़ की टैक्स चोरी जो है वो पकड़ ली गई है चीनी कंपनी की, और पोर्ट कासिम मॉडल कस्टम कॉन्ट्रैक्ट ने 1 अरब 20 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी पकड़ ली है, और ये कलेक्टर ट्रेड है जिसने ये पकड़ी और कंपनी से रकम वसूल करके कौमी खजाने में जमा करा दिया है। जी, तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। बिल्कुल जी, कल की बड़ी आम स्टोरी रही है, कल ये हमारे पास भी खबरों में चली है और हमारे भी नुमाइंदे ने इस हवाले से हमें अपडेट किया था कि जो कस्टम के अंदर मामला रहे हैं चीनी कंपनी खास तौर पर जिसका तस्करा आ रहा है, बहुत बड़ी अमाउंट है ये जो कस्टम की जो है खास तौर पर चोरी जो है ये कल पकड़ी गई है। जी, इसके अलावा आपको बताया कि नकीबुल्लाह कत्ल केस में राव अनवार के खिलाफ जो अहम गवाह है वो मुनरफ हो गया है। जी, ये कल की एक और बड़ी अहम खबर है। जी बिल्कुल, इससे पहले भी ऐसा ही होता रहा है, हाई प्रोफाइल केसेस के अंदर गवाहों के जो बयानात हैं, पहले वो गवाह देते हैं, अपने बयान रिकॉर्ड कराते हैं और उसके बाद अदालत में, कमरा अदालत में जाकर कह देते हैं कि हमें किसी दबाव के तहत ये बयान दिलवाया गया था। तो बिल्कुल कल ऐसा ही हुआ। अच्छा जी, बजट पेश किए जा रहे हैं, आपको पता है कि मुल्क का सालाना बजट तो पेश कर दिया गया था, उसके बाद सूबाई सतह पर भी हुकूमतों ने बजट पेश किए, सिंध में हुआ, बलूचिस्तान में हुआ, पंजाब ने भी जी पेश कर दिया अपना जमीनी बजट जो की 1900 अरब का जमीनी बजट है। बिल्कुल जी, कल ये तकरीब हुई पंजाब असेंबली के अंदर जो है बजट पेश किया गया, अपोजिशन की जानिब से एक दफा फिर शोर शराबा हंगामा किया गया, और ये कल का सिलसिला रहा पंजाब में भी और बलूचिस्तान के अंदर पीसफुली बजट पेश किया गया और वहाँ पर भी इस तरह के जो है वो काम किए गए। एक और बड़ी और अहम खबर कल के रोज की, और वो ये कि कर्नल जोसेफ जो है वो पाकिस्तान से निकलने में कामयाब हो गए हैं, और अमरीकी दिफाई ताशी कर्नल जोसेफ जो है पाकिस्तान से फाइनली अमेरिका वापस चले गए हैं। बिल्कुल जी, इससे पहले भी एक कोशिश की गई थी और इससे पहले भी एक तैयारा उनको लेने के लिए आया था, लेकिन उनको FIE की जानिब से रोक दिया गया था, क्लियरेंस नहीं मिली थी, लेकिन गुज़िश्ता रात जो है उनको क्लियरेंस मिल गई और वो मुल्क से रवाना हो गए। जी, तो ये सारी सिचुएशन है जी की मुल्क में इस वक्त खबरें चल रही है जी उसकी, और मुल्क से बाहर भी हमने आपको बताया की क्या मामला था। इलेक्शन का सीजन है जी, इलेक्शन तो पाकिस्तान में भी अनाउंस तो किया जा रहा है लेकिन होगा नहीं होगा इसका कुछ नहीं कह सकते। लेकिन तुर्की की बात कर लें जी, वहाँ पे भी इलेक्शन अनाउंस हो गया है, 24 जून को वहाँ जी इलेक्शन है, और वहाँ पर भी जो है इस वक्त जो मुंतकली है निजाम की वो पार्लियामेंटेरियन सिस्टम से लेकर वो अब जा रही है प्रेसिडेंशियल सिस्टम की जानिब। साथ ही साथ देखना यह है कि इतने सालों से जो के तुर्की में सदर है और जो रूल कर रहे रूलिंग पार्टी है उनकी, तो वो जो जिसमें रजब तैयब एर्दोगान साहब जो कि इस वक्त प्रेसिडेंट हैं, क्या वो इस इलेक्शन के बाद वापस कॉम्पीट करके कंटेस्ट करके आते हैं पोजीशन पे या नहीं, क्योंकि वहां पे भी बहुत सारी सिचुएशन जो है वो डिफरेंटली थोड़ी सी इमर्ज हो रही है। बिल्कुल, आपने ठीक है, और इसके अलावा और भी दीगर खबरें प्रोग्राम में शामिल करेंगे, उसके बारे में भी आपको अपडेट करेंगे, और साथ ही आपकी लाइव कॉल्स का सिलसिला भी जारी रहेगा। प्रोग्राम के अंदर आप लाइव कॉल्स कर सकते हैं और अपने मसाइल के हवाले से बता सकते हैं, और साथ ही खबरों के ऊपर भी अपनी राय आप पेश कर सकते हैं। बिल्कुल जी, और आज की वार्डरोब की बात कर लेते हैं, ब्रेक पर चले जाते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले जी, आज का वार्डरोब हमें स्पॉन्सर किया आयका है जी ब्रांड, और उरूज इफ्तिखार है, बहुत प्यारी डिजाइन, बहुत खूबसूरत डिजाइन और बहुत ही प्यारा जी इन्होंने ये ड्रेस
तैयार किया है व्हाइट कलर का, और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ट्राउजर पे भी काम हुआ हुआ है और व्हाइट के साथ लाइट ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन है। कट्स पे बहुत प्यारा है, कट्स बहुत प्यारे हैं, डिजाइन बहुत प्यारा है और साथ ही साथ काम बहुत अच्छा हुआ हुआ है। मुख्तलिफ किस्म के इसके अंदर काम है और फैब्रिक का इस्तेमाल हुआ हुआ है डिफरेंट किस्म के। और जिस तरह से ये एक साइड पे मैं अगर दिखा दूं कि ये जो डिजाइन उन्होंने दिया है स्लीव के साथ बना के, ये बहुत ही प्यारा है और ब्लू एंड लाइट लाइट ब्लू एंड व्हाइट कलर का सुबह के टाइम पे बड़ा अर्ली मॉर्निंग ये लाइट कलर्स अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आयका ब्रांड के आपने इतना अच्छा सा हमें ड्रेस भेजा और मुझे इफ्तिखार इसी तरह से आप काम करती रहें। आयका क्लोथिंग के नाम से जो इनका इनकी आउटलेट भी है और साथ ही साथ फेसबुक पे और ऑनलाइन स्टोर है इनका, जहाँ पे आप जाके विजिट कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं इनके ड्रेसेस ये खूबसूरत से। ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप कहीं मत जाएं, स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची। वेलकम बैक जी, एक मतलब फिर गुड मॉर्निंग कराची, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। और ब्रेक पर जाते से पहले हमने बात की खबरों की और अब बात करें थोड़ी सी मुल्क के हवाले से और उन्हीं खबरों को डिटेल में आपको बताएंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और खास तौर पे हफ्ता और इतवार के बाद जब हम आते हैं हफ्ते के अंदर दाखिल होते हैं वर्किंग डेज में, तो उसमें स्पेशली ये होता है कि जी इतना सादा फ्लो होता है खबरों का, इतनी सारी चीजें हो चुकी होती हैं कि उसके ऊपर बात करते करते दो तीन दिन निकल ही जाते हैं। हर मुल्क में इस वक्त चूंकि इलेक्शन का साल डिक्लेयर कर दिया गया है जी, तो साथ ही साथ इस वक्त मुल्क के अंदर जो है वो सियासी जलसों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और वो भी सारे मामलात इस वक्त चल रहे हैं। वेल जी आपको ये भी बता दें कि रमजान की आमद आमद है और रमजान में जो है आपको हम नजर आएंगे जी बिल्कुल अलग अंदाज में, मैं और यासिर आपको उसके लिए भी और पेशगी रमजान की मुबारकबाद भी देते हैं। सऊदी अरब में बात कर लेते हैं कि सऊदी अरब में आज जो है वो रमजान का चांद नजर ना आने की पेशगोई की गई है जी, और अब अभी तक तो वहां चांद नहीं हुआ, यानी कि बुध के रोज एंटिसिपेट कर रहे थे कि वहां पहला रोजा होगा, तो इस वक्त तक वहां नहीं हुआ है ये मामला। अब देखना ये है कि कल के रोज जो है दोबारा से कमेटी बैठेगी वहां पर, तो फिर किस वहां पे किस दिन जो है वो चांद नजर आता है और फिर रमजानुल मुबारक का महीना शुरू होता है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि यूजुअली ऐसा होता है कि पहला वहां पर होता है एक दिन और फिर सेकंड डे यहां पर होता है उसके अगले दिन पहला रोजा। तो अब बुध या जुमरात को, जुमरात या जुम्मे को एंटिसिपेट किया जा रहा है कि पहला रोजा जो है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर होगा। बिल्कुल जी आपने ठीक कहा और इसकी तैयारियां हैं और गुज़िश्ता रोज भी प्रोग्राम में इस हवाले से बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई है और खास तौर पे महंगाई के हवाले से जो है वो बहुत सारे लोगों ने प्रोग्राम कॉल्स भी की और बताया भी कि एक बड़ा अहम मसला है इस महंगाई को काबू करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी दावे किए जाएंगे जबकि इस दफा अभी तक तो दावे भी नहीं किए गए हैं, और इन सारे मामलों को देखेगा कौन, एक बड़ा अहम सवाल है। लोग ये सवाल करते हैं कि यहाँ पर दूध की कीमतें, सब्जी की कीमतें, गोश्त की कीमतों में अभी से इजाफा हो गया है और ये होशरबा जो महंगाई है इसको रोकने के लिए क्या इकदाम किए गए हैं। दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि कमिश्नर कराची साहब जब मीडिया के नुमाइंदों से बात करने के लिए जाते हैं तो उनको बाहर निकाल दिया जाता है। कल भी उनके अगेंस्ट जो है सिंध असेंबली के अंदर प्रोटेस्ट किया गया, सहाफती तंजीमों ने उनके खिलाफ जो है वो मुजाहरे किए और उनके सलूक के हवाले से, लेकिन उनके ऊपर कोई वो नहीं है। इससे पहले भी जब ये मामला रहा आपको याद होगा कि दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में जब कन्फ्रंटेशन हुई थी तो वो ये कहते हैं कि जनाब मैं दूध की कीमतें तो कम करा नहीं सकता, ये मामला कैसे रिजॉल्व कराऊंगा। तो ये भी एक बड़ा अहम सवाल है कि जब आप ये काम नहीं करवा सकते तो फिर जनाब अपनी सीट पर बैठे रहने का क्या जवाब बनता है, इसका भी जवाब जरूर दीजिए। और दूसरी तरफ ये कि अब यहाँ पे जो अथॉरिटीज हैं वो किस तरह काम करेंगी, क्योंकि यहाँ सेहत सफाई के हवाले से जो अभी तक काम हुए हैं वो आपके सामने। सूबाई हुकूमत की अगर बात कर ली जाए तो सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी भी आपके सामने है और तमाम चीजें हम सब देख रहे हैं। अब ये कीमतों का बढ़ना ये हर साल हो रहा है, इसको किस तरह काबू करेंगे इसका जवाब जरूर दीजिए। और लोग इसके बारे में सबसे ज्यादा फिक्रमंद हैं, खास तौर पे जो एक गरीब और मुतवस्सित तबका है उसके लिए बहुत मुश्किल है। माह मुबारक के अंदर जिस तरह से महंगाई का इजाफा होता है अपने बजट को मेंटेन रखना, और वैसे ही महंगाई इतनी ज्यादा है, तमाम कीमतें जो चीज है अशिया खुर्दनोश है, गोश्त वगैरह की कीमतें बहुत तेजी से जो है वो बढ़ रही है। आपने बिल्कुल सही कहा, चिकन का ही मैं देख रही थी रेट के एकदम से कितना ज्यादा बढ़ गया, उसके बाद भी बहुत सारे रेट्स जो बताए जा रहे हैं सर, और बड़ा अफसोस हो रहा है ये देख के यासिर, क्योंकि आप ये देखें कि इफ यू टॉक अबाउट
अदर मुस्लिम कंट्रीज, दीगर मुस्लिम ममालिक की बात कर लेते हैं, तो वहाँ पे जिस तरह से डिस्काउंट फेस्टिवल्स और बिल्कुल डिस्काउंट मार्केट्स, और जिस तरह से मतलब इवन नॉट डिस्काउंट फेस्टिवल्स एंड मार्केट्स भी, जितने ब्रांड्स हैं उन पर भी ठीक ठाक डिस्काउंट आए हुए. तो ये मुस्लिम ममालिक जो है वहाँ पे सऊदीया की बात कर लें, तुर्की की बात कर लेते हैं, ईरान की बात कर लेते हैं, ये तीन चूंकि हमारे बहुत करीबी अलाए भी हैं, तो ये इनकी अगर बात कर लें मुस्लिम कंट्रीज की, तो वहाँ ये सूरत हाल है. और यहाँ आप देखें पाकिस्तान में कि क्या हो रहा है, और अजीब सी सूरत हाल है, जिसे कहते हैं कि यहाँ पर कीमतें बढ़ा दी जाती हैं हर चीज की, ना आवाम का कोई ख्याल रखा जाता है, मतलब इस मुकद्दस महीने का भी कोई ख्याल नहीं है, कोई पास नहीं है, कोई एहसास नहीं है कि किस तरह से यहाँ पे जो कीमतों का के ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है कोई. हालांकि आप देखें कि इन इन तमाम शहरों के अंदर हम बात करें, हमारे जो सारे शहर है या सारे सूबों की बात कर लेते हैं, चले सूबों की ही बात कर लें, तो हमारे पास मेयर भी है, गवर्नर भी है, चीफ मिनिस्टर भी है, कमिश्नर भी है, चार ओपोजिशन पे लोग हैं, मौजूद है, फाल है वो पोजिशनें भी, लोग भी फाल हैं, लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेटली हर कोई जो है वो ये कहता है कि हमारे जो है वो काबू से बात बाहर है. पता नहीं मुल्क को फिर कौन चला रहा है, मुझे समझ में नहीं आता. अगर ये लोग मुंतखब होकर भी आए हुए हैं तो ये बड़ी सीरियस नौयत की बात है यासे, कि आप मुंतखब होकर भी आए हुए हैं लेकिन आपके हाथ में चीजें नहीं है, तो फिर आप डिक्लेयर कर दें क्लियरली, बिल्कुल डिक्लेयर करके आप ये असाइड हो जाएंगे, नहीं ये सूरत हाल है इस मुल्क में, आप लोगों को सच बता दें, लोग के सामने चीजें रख दें और असाइड हो जाए, मेरे ख्याल से शायद ज्यादा बेहतर होगा. एक दफा तो धचका लगेगा लोगों के लिए, असलियत जानना इस मुल्क के हवाले से बहुत जरूरी भी है, लेकिन उसके बाद ये कि एटलीस्ट एक चीज क्लियर हो जाएगी कि नहीं है हमारे हाथ में, हम नहीं कर सकते चीजें, हम पोजिशन पे होते हुए भी बाउंड हैं. क्योंकि देखिए ना, क्या उस मुल्क की हालत होगी कि जिसके सूबों में, जिसके शहरों में वहां का मेयर भी हो, वहां का गवर्नर भी हो, वहां का चीफ मिनिस्टर भी हो, वहां कमिश्नर भी हो, और फिर वहां डीएमसी लेवल के भी और केएमसी लेवल के भी लोग मौजूद हो, लेकिन बावजूद इसके उस शहर में कोई पुरसाने हाल नहीं है, उस सूबे में कोई पुरसाने हाल नहीं है, आप चेक इन बैलेंस ही रख सकते हैं, तो आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज है वो क्या कर रही है, क्या कर रही है. बिल्कुल आपने ठीक है, पर्क्स भी आप एंजॉय कर रहे हैं, प्रिविलेजेस भी ले रहे हैं, सड़कों के ऊपर छिछोरपन बिल्कुल अप्रोप्रिएट वर्ड है आपके लिए, आपके लिए खास तौर पे जो ये लोग करते हैं सड़कों पर, आप लोगों को रोक कर अपने प्रोटोकॉल्स के साथ ये जो हरकतें करते हैं, ओछी हरकतें जिसको हम कहते हैं, और भी सब ज्यादा बुरे अल्फाज इस्तेमाल कर सकता हूँ लेकिन ये इस वक्त मुनासिब नहीं है, लेकिन ये जो सारी हरकतें, इसके लिए आपके पास इख्तियारात हैं लोगों को तंग करने के लिए, और उनके मसाइल के हल के हवाले से आपके पास ना कोई पैकेज है, ना कोई विजन है, ना कोई इख्तियारात है, ना कोई अथॉरिटी काम करती है, और ना कोई कुछ काम करती है. अब नतीजा ये है, निकलेगा इसका, और ये निकलना चाहिए कि लोगों को, ऐसे लोगों को खास तौर पर मुस्तरद करना चाहिए जो डिलीवर करने में खास तौर पर नाकाम हुए, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो, शहरी हुकूमत हो, या कोई भी हुकूमत हो. इस चीज को अब हमारे लोगों को समझने की जरूरत है. कल हमारे कॉलर कह रहे थे कि आप अपनी राय दीजिए, जो हमारी राय इनके लिए कुछ जो है वो अच्छी नहीं है, लेकिन अब क्या करें. तो आवामी मसाइल की बात हो रही है तो आवाम की क्या राय है ये जानेंगे. हमारे लाइव कॉलर एक हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें खुश आमदीद कहेंगे. जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहां से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, कर रहे हो भाई, आज बहुत खुशी हुई, दूसरे एक घर में आगे तीन चार दिन सब लोग मायूस हो गए, अल्लाह खैर से क्या हो गया, अल्लाह इनको सेहत दे, जिंदगी दे, तो हम लोग थोड़े परेशान हो गए थे, आज देखा तो कुछ महसूस हुआ कि आज आई हुई है आपकी ये एंकर. अच्छा अच्छा, रेदा के हवाले से बात करना है. जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया निजार साहब जी. हेलो जी जी, आवाज आ रही है. ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो रमजान शरीफ शुरू होगा तो ये सऊदी अरब के साथ शुरू करे, और सऊदी अरब के साथ ईद मनाए, ताकि क्या है कि ये एक दिन हम इस्लामी ब्लॉक में हैं, तो इस्लामी ब्लॉक हमारा यही है सऊदी अरब, तो कोशिश करें कि ये दो दो ईदें, तीन तीन ईदें होती हैं, ये गलत बात है. और दूसरी मैं एक चीज बताऊंगा कि हुकूमत पाकिस्तान या सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि महंगाई पे कब्जत, महंगाई पे कुछ यानी क्या बोलते हैं, महंगाई कम करे, महंगाई पे कंट्रोल करे. ठीक है निजाय साहब, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की. लाइव में कुछ डिस्टोरेशन है एंड बहुत शुक्रिया आपने कि मेरी तबीयत के बारे में पूछा, और मैं ठीक हूँ, बिल्कुल आप लोग के सामने हूँ, और आप लोग की दुआओं की जरूरत होती है हमें हमेशा से, क्योंकि हम लोग की इतनी भागदौड़ होती है जो कि आपको नजर नहीं आती है,
और पीछे से हम आपके लिए बहुत सारी भागदौड़ करके प्रोग्राम जो है वो तरतीब देते हैं. कोई भी प्रोग्राम जो हो वो एक्स वाई जेड चाहे वो आने वाले आने दिनों में में आप देखेंगे या फिर जो इस वक्त कंटिन्यू चल रहा है पूरे साल से. तो और दूसरी जहां तक आपने महंगाई की बात की, हम भी यही बात करें कि कंट्रोल एंड चेक एंड बैलेंस हुकूमत का बहुत जरूरी है इस वक्त कि वो संभाले अपने मामलात, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें. क्योंकि अगर जिम्मेदारी का एहसास नहीं होगा तो फिर इस मुल्क के हालात पर मेरे ख्याल से फिर अल्लाह ही जानता है कि किस तरफ जा रहा है और क्या होगा. क्योंकि बस दुआ ही कर सकते हैं किसी मुआवजे की, हालात प्रैक्टिकल ग्राउंड पर तो बहुत खतरनाक होते जा रहे हैं. बिल्कुल आपने ठीक है. अच्छा, दूसरी तरफ कुछ सियासत की अगर बात कर ली जाए शहर कराची के अंदर, जैसे मामला रहे गुज़िश्ता दिनों में जिस तरह हमने देखा कि सियासी तब्दीलियां आ रही हैं, बड़े बड़े जलसे जो किए जा रहे हैं और दावे किए जा रहे हैं कि आने वाले इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर ली जाएगी, कुछ कराची के लिए पैकेज भी अनाउंस किए जा रहे हैं, ये बड़ी गैर मामूली बात है कि पूरे पाकिस्तान में जलसे होते हैं, रैलीज होती हैं, बड़े बड़े जो गैदरिंग्स होती हैं सियासी, और वहाँ के लिए ऐलानात किए जाते हैं. लेकिन जब यहाँ पर आते हैं तो हर जो पॉलिटिकल पार्टी है वो एक पैकेज जो है वो अनाउंस करती है, और वो पार्टीज भी पैकेज अनाउंस कर रही होती हैं जहाँ पहले से हुकूमत में मौजूद हैं, और वो भी ये कहती हैं कि आने वाला जो वक्त होगा या जब इंतखाबात जीत कर आएंगे तो यकीनन इसकी बेहतरी के लिए काम करेंगे. वो बड़ी गैर मामूली बात है. तो बहरहाल जनाब, कुछ इस तरह के जो है वो मामला रहे, और बड़ी जो सियासी जमात यहाँ की माजी में रही मुतअद्दी मूवमेंट, उसके हवाले से भी कल बात हुई कि एक दफ़ा फिर वहाँ पर जो मामला खराब होते हुए नजर आ रहे हैं, और इससे पहले भी बारहा प्रोग्राम के अंदर इस बारे में बात हो चुकी है. और दोनों ग्रुप्स यानी कि PIB ग्रुप और एक भादराबाद ग्रुप, दोनों के जब नुमाइंदे मौजूद होते हैं तो कहते हैं कि मामूली नौयत के इख्तलाफात हैं, इनको हल हो जाना चाहिए. गो के हल हो भी गए थे, 5 मई में हमने देखा कि जो हुआ है जलसा जो हुआ था उसके अंदर जो है वो मामला हल भी हो गए थे, बज़ाहिर लगता ये था. लेकिन एक दफा फिर जो हमें इंतखाबात के मामले पर के लोगों को टिकट किस तरह दिए जाएंगे, और साथ ही एक और भी कंसर्न उन्होंने शो किया, डॉक्टर फारूक सत्तार ने गुज़िश्ता रोज जो है वो ये कहा कि वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे. इसकी वजह यह है कि भादराबाद ग्रुप ये कहता है कि आप अपने आप को पार्टी का सरबरा ना बताएं, आप कन्वीनर बताएं पार्टी का, पार्टी के सरबरा की हैसियत से आप जो है वो नहीं रह सकते, क्योंकि उनके आइन के मुताबिक पार्टी सरबरा जो है वो कोई नहीं होता. अच्छा जी, ये एक मामला रहा जिसके ऊपर कल बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई, बहुत सारे लोगों ने भी इसके ऊपर अपनी राय दी, हमारे देखने वालों ने भी इसके ऊपर जो है वो अपनी राय दी है, पैगाम भेजे, और इस हवाले से भी मतलब ये लोग सुधरने नहीं वाले, इन शॉर्ट ये सुधरने नहीं वाले, ये इनके यही कारनामे रहेंगे, और अगर यही कारनामे चलते रहे तो लेट इट बी क्लियर ओवर हियर दिस टाइम वेरी वेल के ये जो आपकी सूरत हाल है, आपका वोट बैंक तो बस फिर पता नहीं कहाँ जाएगा, ये आप सोच भी नहीं सकते. जिस तरह से इमर्ज हो रही है यहाँ पे दूसरी पार्टी, जिस तरह से वो स्पेस जो क्रिएट हुआ है उसको उस गैप को, उस वैक्यूम को जिस तरह से वो कैप्चर कर रही हैं, तो वो आप जो है और गेन कर रही हैं उसकी वजह से, आप अपने जो मफादात हैं उनको ये आप सबर भी नहीं कर सकते कि किस तरह से ये चीजें हो जाएंगी. क्योंकि लोग ये सोचते रहते हैं, बट एट टाइम्स हमारा ये ख्याल होता है, हम बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि शायद हम चीजों को उस तरह से लेके चल लेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो चीजें वैसे नहीं हो सकती अनटिलनेस आप उसकी एक कंसिस्टेंसी के साथ और एक कॉन्स्टेंट वे में जो है आप उसके ऊपर काम ना करते रहे. क्योंकि लोग हर चीज भूल जाते हैं. यहाँ पे मसला ये हमारा इंसानी साइकोलॉजी का मसला ये है, ह्यूमन साइकी का मसला ये है कि हम बहुत जल्दी चीजें भूल जाते हैं, हम बहुत जल्दी जो है ये भूल जाते हैं कि पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ. हम फ्यूचर पे और करंट पे ज्यादा फोकस करते हैं, ज्यादा जोर देते हैं. तो इस वजह से अगर आप इस वक्त लोगों के लिए काम नहीं करेंगे, अपने मामलात को बुलाकर और चीजें बेहतर नहीं करेंगे स्मूथली, तो मेरे ख्याल से आगे आप नजर नहीं आएंगे इलेक्शन में. नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि होना तो यही चाहिए कि जिन लोगों ने डिलीवर नहीं किया उनको मुंतखब भी दोबारा ना किया जाए, और लोगों को अब इस चीज की समझने की जरूरत है. और जैसे आपने कहा कि हमारी मेमोरी जो है वो बहुत छोटी है, बहुत जल्दी तमाम चीजों को भूल जाते हैं जो अब तक की कारकर्दगी रही है. कारकर्दगी कहना पता नहीं मुनासिब है या नहीं, लेकिन जो अब तक हुआ है वो सब हमने विटनेस किया है. और एक दफा फिर ये दावे किए जा रहे हैं कि जनाब बेहतरी के लिए काम करेंगे, और ये पैकेजेस वगैरह जो ये अनाउंस किए जा रहे हैं ये बड़ी हैरानकुन बात है. लोग सवाल ये करते हैं कि ये जो पैकेजेस दिए जाते हैं, ये 10 नुकाती एजेंडा दिया जाता है, इसका मकसद क्या है? क्या आप कराची को जो है वो अलग समझते हैं कि मुल्क का अलग हिस्सा है जो इसके लिए आपको खसूसी पैकेजेस जो है वो अनाउंस कर रहे हैं? बहरहाल ऐसा नहीं है. सबसे पहले जो चीज़ समझने की वो ये कि यहाँ के मसाइल को समझना ज़रूरी है. यहाँ के जो मसाइल हैं बढ़ती आबादी के और पीने के साफ पानी के हवाले से, सीवरेज का जो निज़ाम है, इसके अलावा जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल है जो वर्स्ट सिचुएशन में है, उसके हवाले से क्या आपके पास प्लानिंग है? और दूसरा ये कि और भी बहुत सारे दीगर मसाइल हैं
ان کو کس طرح ریزالو کیا جائے گا, یہ وہ تمام چیزیں جس کے اوپر اب بات کرنی ہے. اچھا جی, بہت ساری چیزیں ابھی ڈسکس کرنی ہیں, چھوٹی سی بریک کا وقت ہو رہا ہے, بریک لے کر واپس آئیں گے اور پروگرام جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے ہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی. ویلکم بیک سیک مدا پھر گڈ مارننگ کراچی, گڈ مارننگ پاکستان. اور کیا کہیں, مطلب بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ میں اور یاسر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کتنی سینسر کر کے بات کریں, کیا کریں, اور سینسر ہی کرتے رہیں گے تو پھر بات تو کچھ بچے گی نہیں کرنے کے لیے میرے خیال سے, کیونکہ اس ملک کی ایسی سچویشن ہو چکی ہے اب بہت ہی زیادہ خطرناک کہ ہم بھی کچھ نہیں بول سکتے, کچھ بولیں تو پھر مسئلے ہیں, جس کی طرف سے بولیں دوسری طرف سے دوسرے مسئلے ہیں, مطلب کیا کریں. کچھ سمجھ میں بالتا رہے کہ صحافی بھی اب صحافت نہیں کر سکتے, یہ وقت آ گیا ہے اس ملک کے اندر کہ بات کرتے ہوئے بھی جو ہے وہ ڈر لگتا ہے کہ اگلی کال نہ آ جائے, پروگرام ختم ہوتے ہیں کہ یہ کیا بات کر دی ہے, کس کی بات کر دی. بہرحال خبریں جو ہیں وہ آپ کو ایز اٹ از اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اوپر انالیسس کی طرف نہ جائیں. جو خبر ہے, جو موقف ہے, جس کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ کو بتائیں. آپ بتائیں کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ نام ای سی ایل میں ڈالا جائے نواز شریف صاحب کا, جو کہ سابق وزیر اعظم ہے, وہ خود کو بچانے کے لیے عالمی اسٹیبلشمنٹ سے اپیل کر رہے ہیں, یہ انہوں نے کہا ہے جی. اور یہ آرٹیکل 6 کے تحت وہ کہتے ہیں کہ مقدمہ چلایا جانا چاہیے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا, جو کہ اپیل کر رہے ہیں کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ سے کہ آؤ اور مجھے بچاؤ. وہ چاہتے ہیں کہ ان کو این آر او مل جائے اور فوج اور عدلیہ مل جائے تو فوج اور عدلیہ اچھی ہو جائے گی. وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور شہباز شریف بھی فوری مستعفی ہوں. پیر کو یعنی کہ کل کے روز جو انہوں نے پریس کانفرنس کی, اس میں انہوں نے کہا کہ ممبئی حملوں سے متعلق نواز شریف کے بیان پر اپنے رد عمل میں کہتا ہوں کہ دیکھنا ہوگا کہ نواز شریف نے کس سیاق کو سباق میں انٹرویو دیا. ان کے بیان پر بھارت کو بہت فائدہ ہوا ہے, بھارت اور اسرائیلی لابی مغرب میں اکٹھے آپریٹ کرتے ہیں, نواز شریف نے جو کیا اس سے بڑی کیا غداری ہو سکتی ہے. بھارتی لابی اس بیان کو آگے لے کر جائے گی تو ہم بلیک لسٹ جا سکتے ہیں. ایف اے ٹی ایف نے پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالا ہوا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی نے شہباز شریف وزیر اعظم سے مستعفی ہونے کا بھی جو ہے وہ سوال کر دیا ہے. بالکل جی, آپ نے بالکل ٹھیک کہا. عمران خان کی یہ پریس کانفرنس آپ دیکھ رہے تھے اور ان کی دائیں طرف جو ہے وہ ایک صاحب تشریف فرما تھے, غلام مصطفیٰ صاحب, اور ایک بڑی اچھی کتاب جو ہے وہ اتفاق سے جو ہے وہ یاد ہو گئی, وہ تمینہ دورانی کی تھی, مائی فیوڈل لارڈ میرے خیال میں کتاب کا نام تھا. اور چلیں, ماضی کا جو ہے وہ یاد آ گیا, وہ بڑی انٹرسٹنگ جو ہے وہ اسٹوری تھی. اور جناب عمران خان کی اگر بات کر لیں پریس کانفرنس کی, تو وہ پریس کانفرنس جو ہے وہ کل رہی ہے, اور اس سے پہلے بھی وہ کراچی میں جب جلسہ ہوا تھا اس اسٹیٹمنٹ کے خلاف, اس انٹرویو کے خلاف جو ہے وہ بتا چکے ہیں, لوگوں سے جو ہے وہ کمیونیکیٹ کر چکے ہیں. لیکن اب ایک نئی چیز جو وہ سامنے آئی ہے وہ یہ, جیسے آرٹیکل 6 کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اور زیادہ تر جو ایکسپرٹس ہیں وہ بھی اس چیز کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں, ان کی رائے کے مطابق ہی اس کے زمرے میں آتا ہے. ایک نئی بحث کا جو آغاز ہو چکا ہے کہ کیا یہ آرٹیکل 6 کے زمرے میں آتا ہے, یہ ان کا بیان جو قوم سے غداری کا ایک آرٹیکل ہے. تو اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ سابق جو صدر پرویز مشرف صاحب ہیں ان کے خلاف جو ہے یہ بوز ہو چکی ہے, اور ان کو جو ہے اس مقدمے کے تحت جو ٹرائل کیا جا رہا ہے وہ گو کہ اس وقت ملک سے باہر ہیں. ان کا بھی ایک ویڈیو پیغام جو ہے وہ جاری ہوا, اور جس کے اندر جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے اگینسٹ جو ہے وہ بیان دیتے ہوئے نظر آئے, اور یہ کل سارے معاملات رہے ہیں. بڑی کرٹیکل اسٹوری ہے, بڑا کرٹیکل پوائنٹ کے اوپر آ چکے ہیں, اور سیریس کنفرنٹیشن کی طرف جو ہے اب بڑھنا ہے لگتا ہے, ایسا محسوس یہ ہوتا ہے. خدا نہ کرے کہ ایسی صورتحال ایمرج ہو. الیکشن کے حوالے سے اسپیکولیشن جو وہ تیز ہیں, بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں اب ہمیں فیلڈ میں نظر آ رہی ہیں, جلسے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور الیکشن کے لیے کیا اسٹریٹجی ہے, کیا پلاننگ ہے, یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. پیکیجز اناؤنس کیے جا رہے ہیں اور انسینٹیوز دیے جائیں گے, اس طرح کے دعوے کیے جا رہے ہیں, اور خاص طور پہ اکنامک ایشوز کو ایڈریس کرنے کی بات کی جا رہی ہے کہ اکنامک ایشوز جو ہیں ان کو ریزالو کیا جائے گا. ٹو بی ویری آنیسٹ, ہم ایک بات یہاں پہ ضرور کریں گے, کہیں نہ کہیں بات کرنی ضروری بھی ہوتی ہے. کسی بھی ملک کی اگر بات کر لیں آپ, وہاں پر جب اس طرح کے ٹکراؤ ہوتے ہیں اداروں کے درمیان یا تصادم آتے ہیں, لیکن کوئی بھی اس طرح کی لینگویج استعمال نہیں کرتا اس لیول پر جا کے, ہائی اتھارٹیز کے لیول پر جا کے, کہ کوئی جو ہے وہ سلینگ لینگویج کا استعمال کرے, ہارش لینگویج کا استعمال کرے, ابیوزو ورڈز کا استعمال کرے کہ فلاں کمبخت ہے, منوس ہے, یہ ہے وہ ہے, اس طرح کی باتیں کرنا, سوری بڑی معذرت کے ساتھ مجھے اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے, کیونکہ میں نے سنے پچھلے 2-3 دن میں اس طرح کے اسکرین پر چل رہے تھے, اور وبا کو کس طرح کی باتیں جو ہے وہ چینل والے چلا رہے ہیں, کیا اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہو سکا, کیا اس کے اوپر کسی کو بھی اجازت ہے؟ ٹھیک ہے, ایک سابق وزیر اعظم نے جو بھی اسٹیٹمنٹ دیا ہے,
लेकिन कतई नजर इस मामले से जो भी स्टेटमेंट आया है, जैसा भी आया है, उसका फैसला तो बाद में होगा, सारी चीजें तो बाद में होंगी। सिमिलर टू लाइक दैट, जिस तरह से पैनमा का केस हुआ या दीगर जो भी यहाँ पे और दीगर सियासी जमातों के जो लीडरान हैं या रहनुमा हैं उनके ऊपर होता है, हम फौरन से ऐसे लफ्ज इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हम अपनी बात ही करें, हाई अथॉरिटीज की बात करें, आपस में इस तरह के अल्फाज छुड़ा देंगे, लगता नहीं है कि ये कॉम्पिटिटर है, ऐसा लगता है कि कोई जानी दुश्मन है या पता नहीं बस अब, या फिर वो घर में जैसे जो मासियां लड़ रही होती हैं या आपस में लड़ाइयां हो रही होती हैं उस टाइप का, मतलब कोई सोफिस्टिकेटेड चीज है ही नहीं, कोई सोफिस्टिकेटेड निजाम नहीं है, कोई तरीकेकार नहीं है, कोई एक होता है कि एक ऑफिशियल लैंग्वेज होती है जिसके अंदर आपको बात करनी है, वो यहाँ पे है ही नहीं, वो नजर ही नहीं आता। मतलब आपके सहाफी तो उनसे तो बाद में गिला करेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किस तरह से आते हैं, किस तरह से नहीं आते, उसमें तो अदालतें खुद ले रही हैं एक्शन, मेरे ख्याल से उस पर बात करने की हमें जरूरत नहीं है। लेकिन बड़ी माजत के साथ जो स्टेट को चला रहे हैं, जो अफेयर्स को चला रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज है, मैं बार बार बात करती हूँ, और ये शायद एक तो मैं क्रेडिट देती हूँ पीटीआई को, तो खासतौर पर इमरान खान साहब को, कि उनके आने के बाद से ये लैंग्वेज का बेदरीख इस तरह से बुरी जबान का इस्तेमाल हुआ है, और अब जो है वो मजीद इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, ये और बहुत एक अजीब मीडियम है जो है वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल, आपने कहीं देखा है मतलब कि ऐसे किसी मुल्क में भी ऐसा ऑफिशियल जिस तरह की जबान इस्तेमाल करते हैं, इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। और सोशल मीडिया का जो है वो टूल इस्तेमाल किया जा रहा है, और उसके बाद इस तरह की बातें कही जा रही हैं। बहरहाल इसके ऊपर भी गुफ्तगू करनी है। इस वक्त मुस्लिम लीग नून की जो सिंध की मेंबर हैं, रहनुमा हैं, सूरत थेबो साहिबा, उन्होंने ज्वाइन किया, उनको शो में खुश आमदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया सूरत थेबो, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। अच्छा, अब जरा ये फरमाइएगा कि ये जो बयानात का सिलसिला शुरू हुआ है, और खास तौर पे पंजाब से राणा सनाउल्लाह साहब बयानात दे रहे हैं, और बहुत ज्यादा वो एग्रेसिव मोड में नजर आ रहे हैं, और जिस तरह के बयानात आ रहे हैं उसके ऊपर आपकी क्या राय है, आप क्या कहेंगी जरा हमारे साथ? सबसे पहले तो मैं हूँ यहाँ पे गांव में, मैंने ये नहीं सुना राणा सनाउल्लाह का। जी, मैं ईमानदारी से कहती हूँ कि उसका बयान मैंने नहीं। अच्छा ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, उनका कहना ये है कि अभी हमने जो है वो सच बोलना शुरू किया है, और अब आगे भी बहुत सारी चीजें डिस्क्लोज करेंगे। और नवाज शरीफ साहब का जो बयान खास तौर पर आया है, या जो इंटरव्यू बड़ा कंट्रोवर्शियल आया है, उसके हवाले से उन्होंने कहा है कि अभी और बहुत सारी चीजें रिवील करेंगे, बहुत सारी चीजें मंजर आम पर लाएंगे, तो इन सारी बातों का क्या मकसद हो सकता है? देखिए, बात यह है कि अजीब किस्म की सोच है कि एक मजबूत वतन को जिसने इस मुल्क को एटमिक कुव्वत बनाया, जिसने इस मुल्क को तरक्की दी, उसको ऐसे ऐसे खिताबात दिए जा रहे हैं, और इस तरह से जो है वो गंदा किया जा रहा है, ये बहुत अफसोसनाक बात है। मैं नहीं समझती हूँ कि इस तरह की सोच जो है वो मुल्क के लिए बेहतर है, ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। ये बातें मुझे समझ में नहीं आती कि ये गदार क्यों नहीं होते जो रहमान मलिक ने बात की, या जिस दूसरों ने भी की थी जी। क्या उस वक्त ये मुल्क पाकिस्तान उनको नजर में नहीं आ रहा था कि ये वो क्यों कर रहा है? बात ये नहीं है, बात ये नहीं है कि आप इस तरह से किसी को अगर आपको फेवर नहीं करता या आपको सूट नहीं करता या तो आप उसको गद्दार करार दें, जो आपको सूट करे वो कुछ भी करे, वो जो कुछ भी बोले। नहीं सूरत थे वो, बड़ी माजरत के साथ, हमें सूट करने ना करने की बात नहीं है, बात ये है कि आलमी मीडिया के सामने और खास तौर पे भारतीय मीडिया के सामने अगर इस तरह की कोई बात की जाएगी, चाहे वो उसकी जो भी इंटरप्रिटेशन करें, क्या ये बात करना मुनासिब है आपके ख्याल में? देखिए, भारतीय मीडिया के सामने किसी ने नहीं की, मीडिया के सामने आजकल दुनिया तेज है, बात करे वो कहीं भी पहुंच जाती है, बात भारतीय मीडिया की नहीं है। भारत के साथ तो हमने कभी भी इस तरह से कोई लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल की है, हमने अपने मुल्क के लिए हमेशा जो है मुल्क को तहफ्फुज़ दिया है। उस मुल्क को जो मुतरमा बेनजीर भुट्टो भी जो है वो एटमी धमाके नहीं कर पाई, लेकिन मियां साहब ने किया, उसकी उसको वही सजा मिली। नहीं, मुतरमा के जमाने में तो खैर वो सिनेरियो नहीं था कि जहां पर धमाके किए जाते, सिनेरियो क्यों नहीं था? क्योंकि मुल्क को एटमी कुव्वत तो बनाना था ना। नहीं, उस वक्त तो भारत ने आपके ऊपर चढ़ाई करने का प्लान कर रखा था, और उसके जवाब में धमाके किए गए थे, वो तो सरकमस्टांसेस नहीं है बीबी के दौर में धमाके किए थे। आपको इल्म होगा कि जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये बनाया तो उसके बाद वो वैसे ही पड़ा रहा और वो धमाके नहीं किए गए। नहीं तो उसकी नौबत नहीं आई ना, उसकी नौबत तो आई नवाज शरीफ के दौर में, तब जाके तो धमाके किए, उससे पहले भारत ने भी धमाके थोड़ी किए थे। मियां साहब को इतना
प्रेशर था दुनिया का, मियां साहब को प्रेशर था, अमेरिका ने ऑफर की, लेकिन आज जो उसको कह रहे हैं कि आपने करप्शन की, अगर लालची होता तो वो ऑफर कबूल कर रहा, इतनी बड़ी रकम की ऑफर की गई थी वहां से अमेरिका से, लेकिन हमने इस स्टेट के खिलाफ कभी भी जो है मियां साहब ने नहीं कहा है। जो बात है वो बात तो करने के से जो है इस तरह के इस सोच रखने से, मैं नहीं समझती हूँ कि मुल्क को नुकसान पहुंचाया जाए और वजीर तीन दफा वजीर आजम रहने वाला अवाम का नुमाइंदे को इस तरह से जो है आप तजलील करें, ये अच्छी सोच नहीं है कि आप सब मिलकर जो है इकदार के उसूल के लिए जो है मुल्क को नुकसान पहुंचाए। सही। अच्छा सोरते मुसावा ये भी बताइएगा, जानना चाहेंगे कि अब इमरान खान साहब ने भी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमेशा से कल भी उन्होंने जो है वो अल्टीमेट नताइश पर खुद ही पहुंच जाते हैं, वो बगैर इन्वेस्टिगेशन के, बगैर किसी जब तक मामलात और हालात नहीं ऑफिशियली तौर पर हल होते उससे पहले ही वो खुद ही अल्टीमेट एक फैसले सुना देते हैं। कल उन्होंने कहा कि नाम ECL में डाला जाए नवाज शरीफ साहब का, और एक और बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया, कहा कि नवाज शरीफ खुद को बचाने के लिए आलमी एस्टेब्लिशमेंट से अपील कर रहे हैं। उन्होंने ये भी साथ में कहा कि आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाना चाहिए। आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए मियां साहब ने, मैं आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के जो है वो पहुंच जाते हैं, और इन्होंने इमरान खान ने जो है वो लाडला जो है वो हमेशा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। जैसे ही नवाज शरीफ की हुकूमत आई है इन्होंने जो है जिस तरीके से जो धरने दिए, जो कौमी इदारों को हमला किया गया, वो गद्दारी भी नहीं थी, वो भी गद्दारी नहीं थी, क्योंकि कौमी इदारों पे हमला करना जो है वतनी में आता है, और जो जो करता आ रहा है अभी तक वो तो पूरी कौम देख रही है ना, वो तो पूरी दुनिया देख रही है ना। आप क्या तमाशा बना रखा है मुल्क के लिए, क्या तमाशा बनाया हुआ है जमहूरियत के लिए, क्या तमाशा हुआ है? ये तमाशे तो हम हर रोज देखते हैं इमरान खान साहब के। तो इस तरह से जो है इमरान खान की बात क्या करे, एक दिन हो तो हम कहें कि एक दिन इसने ये कहा, दूसरे दिन कहा, दूसरे दिन दूसरी जुबान बोलता है, एक दिन दूसरी जुबान बोलता है। आप बताएं उसने क्या क्या कुछ नहीं किया, उसके बावजूद भी वो मुझे को बताना है, और वो जो मुल्क को तरक्की दे रहा है, जो मुल्क के साथ सच्चा मुहब्बतन सच्चा सुकूत है, उसको इस तरह से जो है नवाजा जाता है, तो ये बहुत अफसोसनाक सोच है। ठीक है। अच्छा ये भी बताइएगा सुरथे बो साहिबा, अब हम जानना चाहेंगे कि ये स्टेटमेंट तो आ गया है, इसके ऊपर पाकिस्तान से तो बड़ा जो एक कहते हैं कि रिएक्शन है वो आ रहा है इसके खिलाफ, इस स्टेटमेंट के। अब आप लोगों का मजीद आगे क्या स्टांस होगा इस हवाले से, क्योंकि नवाज शरीफ साहब तो कहते हैं कि मैंने जो बयान दिया वो सही है उसको, लेकिन तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। बाकी दूसरी जानब सभी इस वक्त एक महाज लेकर खड़े हो गए आपके ऊपर, तो अब आप लोग आगे क्या करेंगे इन सारे मामलों को हल करने के लिए? देखिए मियां साहब ने शुरू से ही कहा है, बल्कि उस दिन जो है वहाँ पे चंदड़ी में शहबाज शरीफ ने भी कहा, सबने भी कहा कि ये तोड़ मरोड़ कर बयान दिया जा रहा है, लेकिन ये सारे इकट्ठे इस वजह से है कि क्योंकि नवाज शरीफ को ये ताकतवर देख रहे हैं, अवाम में उसकी पंजीराई हो रही है, यही बात उनको तकलीफ दे रही है कि उसको वजारत उज़्मा से हटाया गया, उसको अपने ओहदे से हटाया गया, उसको सूबा छीन लिया गया, उसकी सेनेट छीन ली गई, उसको हर रोज घसीटा गया। अच्छा सूरत से वो एक चीज की जरा वजाहत फरमाइए कि अब इनको चैन नहीं आया। जी तो अब गद्दारी की बात हो रही है। अच्छा उसको रहने देते हैं, अभी जरा ये बताइए कि आप कहती है कि बयान तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया जैसा भी है, तो उसकी आप डिनाई कर दें, नवाज शरीफ साहब इसको डिनाई कर दें कि ये बात जो है वो ठीक नहीं है, मेरी बात का गलत मतलब लिया गया, वो तो कहता है मैं अपनी स्टेटमेंट के ऊपर कायम हूँ। देखो जो तोड़ मरोड़ के जो पेश किया गया वो तो उस बात की तो वो डिनाई कर रहे हैं ना, सब कर रहे हैं ना, बाकी तो जो बाकी बातें जो हो रही है वो बात तो जो तोड़ मरोड़ के जो सब कर रहे हैं ना, शहबाज शरीफ ने बात की, सबने की, मियां साहब ने भी की, लेकिन जो बात की है वो कह रहा है कि मैंने की है, वो बात उनको जो की है वो तो बता ही नहीं रहे ना, वो तो अलग बात बता रहे हैं। सही ठीक है,
ٹھیک ہے سورۃ تیبو صاحبہ, بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھی. مسلم لیگ نون کی ایم پی اے ہیں جی, سندھ اسمبلی سے اور سندھ اسمبلی کی ممبر ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھی. گفتگو ان سے جاری تھی اور جس طرح کی سچویشن ہے آپ کے سامنے, بہت مشکل ہے گفتگو کرنا اور آپ کے سامنے پیش کرنا. ایسی صورتحال اس وقت ایمرج ہوتی جا رہی ہے اور اس پہ ہم بھی بڑے محتاط انداز میں بات کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے سامنے ساری چیزیں ہیں کہ کس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹس کے ساتھ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, اپنے سوالات سامنے ریز اپ کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ کے سامنے ساری صورتحال ہے کہ کیا ہے کیا نہیں, یہ تو آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں. اور جو بھی ہو رہا ہے اس وقت معاملات بڑے خیر افسوسناک معاملات ہیں. میں بہت عجیب سا فیل ہو رہا ہے اس وقت کے یہ تین چار دنوں میں جو ایک دم سے بہت سارے حالات اس وقت ایسے ہو گئے. ویل بات کر لیتے ہیں اسی اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے کہ نواز شریف صاحب کا بیان غلط ہے, گمراہ کن ہے, الزامات غلط فہمی ہے, رنجش ہے, مغالطہ امیز موقف پر مبنی ہے, ٹھوس حقائق کو نظر انداز کیا گیا ہے اور یہ قومی سلامتی کمیٹی نے اس کو مسترد کر دیا ہے اور اظہار مذمت بھی کی ہے جی. تو یہ قومی سلامتی کمیٹی کا جی کل کا اجلاس ہوا ہے اور اجلاس کے اندر وزیر اعظم صاحب نے اور جتنے بھی عام عہدوں کے اوپر فائز لوگ ہیں موجود تھے اور اس بیان کی مذمت کی ہے, اس کو مذاقہ خیز قرار دیا گیا ہے, اس کی مذمت بھی کی گئی ہے. اور اس کے بعد جو ہوا وہ بھی ہم سب کے سامنے, جب وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کی, میاں نواز شریف جو کہ سابق وزیر اعظم, ان کے ساتھ ملاقات ہوئی, ان کے پارٹی کے قائد بھی ہیں, اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے وہ اپنی اسٹیٹمنٹ کو تبدیل کر لیا. یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ قومی سلامتی کے جو اجلاس ہے اس کے اندر بات اور ہے اور پھر الگ سے جو میٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد ایک الگ بیانیاں جاری کیا جاتا ہے, اور پھر جناب ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ نیچے چل رہی ہے اور انہوں نے بھی اس کو جو ہے اس کی مذمت کی ہے کہ اچھا جو اعلامیہ ہے اس کے خلاف جو وہ بیان دے رہے ہیں. اس پہ تھوڑی سی اس پہ کل کے اس پہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ہوا کیا ہے. بیسیکلی اس کے اندر جی یہ کہا گیا ہے کہ ممبئی حملوں کے تناظر میں جو 12 مئی کو انگریزی اخبار میں شائع ہونے والے بیان یعنی کہ نواز شریف کے انٹرویو کو متفقہ طور پر ایک تو غلط اور گمراہ کن قرار دیا, ساتھ ہی ساتھ یہ فیصلہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی زیر صدارت اجلاس میں ہوا ہے. وزیر اعظم آفس سے جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق اجلاس میں وزیر دفاع خارجہ خرم دستگیر, وزیر خزانہ و اقتصادی امور مفتا اسماعیل, چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل زبیر محمود حیات, چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ, چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل ظفر محمود عباسی, چیف آف ایئر اسٹاف ایئر مارشل مجاہد انور خان, ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار, مشیر قومی سلامتی ناصر جنجوعہ, دیگر اعلیٰ سول و فوجی حکام جو ہے وہ شرکت کی. اور پریس ریلیز میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کا نام نہیں لکھا گیا جن کا انٹرویو شائع ہوا تھا. اجلاس کی شرکت نے قرار دیا کہ افسوس کی بات ہے کہ اس بیان سے جو رائے دی جا رہی ہے یا وہ تو غلط فہمی پر ہے کوئی, یا تو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے اور یا پھر کسی رنجش کے انداز میں اسے پیش کیا جا رہا ہے, اس کے ٹھوس حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے. شرکت نے متفقہ طور پر الزامات کو مسترد کیا اور گمراہ کن دعوے کی مذمت بھی کی ہے. اجلاس نے یہ یاد دلایا کہ ممبئی حملے کیس کے فائنل ہونے میں تاخیر کا ذمہ دار پاکستان نہیں بھارت ہے. تحقیقات کے دوران جو ہے بھارت نے مرکزی ملزم اجمل قصاب تک رسائی نہیں دی اور کئی معاملات میں تعاون سے انکار بھی کیا. بھارت کی جانب سے غیر معمولی اجلت ٹرائل کو فائنل کرنے میں بنیادی رکاوٹ بنی ہے. اس کے ساتھ ہی پاکستان کلبھوشن یادو کیس اور سمجھوتا ایکسپریس کے سانے میں انڈیا سے بدستور تعاون کا منتظر ہے. قومی سلامتی نے اس عزم کا اظہار بھی کیا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہر محاذ پر ضروری کردار ادا کرتا رہے گا. تو یہ اسی سے متعلق کل جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا جی, اور اس میں یہ ساری سول و عسکری قیادت موجود تھی جی, اور اس میں وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ اس اجلاس کی صدارت کر رہے تھے. اور یہ آپ کو مناظر دیکھ سکتے ہیں, آپ کو اسکرین پر بھی اس وقت دکھا رہے ہیں, یہ وہ بڑے قیمتی مناظر ہیں کل کے جو کہ اس قومی سلامتی کمیٹی میں کیے گئے ہیں. بالکل جی, اور اس کے علاوہ جو بھارت کا کردار رہا ہے وہ ہم سب کے اس سامنے ہے. ماضی قریب کی بات ہے, سمجھوتا ایکسپریس کے اوپر جو ان کی رپورٹس آئی ہیں, جو ہماری انٹیلیجنس کی رپورٹس ہیں اس کے مطابق بھارت کی جو خفیہ ایجنسی را ہے وہ اس واقعے کے اندر ملوث پائی گئی, لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی. اجمل قصاب کا جس طرح ٹرائل ہوا, جس طرح ساری پروسیڈنگ رہی, پاکستان نے جب ایکسس مانگا تو ان کو نہیں دیا گیا, اور جیسے سزائے موت کے اس کے اوپر جس طرح کی تیزی دکھائی گئی ہے, ان ساری چیزوں کا مقصد یہی تھا کہ اس کیس کو جو وہ کسی نہ کسی طرح دبایا جائے. اور کسی بھی کیس کے اندر یاد رہے کہ بھارت نے تعاون نہیں کیا ہے, بارہا ڈیمانڈ کرتا رہا انٹرنیشنل فورمز کے اوپر, لیکن کبھی بھی کوپریٹ نہیں کیا کسی بھی سطح کے اوپر. ایک لائیو مزید بات کرتے ہیں جی, ایک لائیو کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم, کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ وعلیکم جی, کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام.
जी मैंने अपना मसला बयान करना था जनाब। देखें फीसों के बारे में कहा गया था कि तीन जब बच्चों को छुट्टियां होंगी तो 3 माह की फीस नहीं दी जाएगी। जी जी जी। और अब कह रहे हैं कि अब स्कूल वाले हमें कह रहे हैं जी आप फीस दें। सही जी। तो अब हमें बताएं हम क्या करें, जो हमने तो जो सर्किट आपको पता है घरेलू चलता आ रहा है और हम ये सुनकर इतने खुश हुए थे पिछले 3 माह की फीस खत्म हो गई है। अच्छा। और फिर स्कूल वालों से आ रहे हैं जी मैसेज कि आप बच्चों की 2-2 माह की फीस जमा करवाएं। अच्छा ये कौन से स्कूल की आप बात कर रही हैं, कौन से आपसे फीस? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। जी जी बताइए जरा स्कूल का नाम बताइए। एफ ए मलक स्कूल है। अच्छा अच्छा, क्योंकि देखिए यहाँ पर तो इसके खिलाफ जो है वो ऑर्डर्स आ चुके हैं सिंध हाई कोर्ट के, और यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट की तरफ से भी ऑर्डर निकल चुका है कि अगर कोई आपसे स्कूल जो है वो फीस मांगता है, जून जुलाई की फीस तलब करता है, तो आप जो है उसके खिलाफ कंप्लेन करें, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अच्छा, पंजाब के अंदर ये पॉलिसी है या नहीं? नहीं उमर हमीबा, हम ये एक काम ये करते हैं कि आपने स्कूल का नाम भी बता दिया है, अपना मसला भी बता दिया, हम इसके ऊपर कोशिश करेंगे कि आज या कल एजुकेशन मिनिस्टर से मौकिफ लें। राणा मशहूद साहब इस वक्त वहाँ पे देख रहे हैं सारी चीजें, उनसे बात करते हैं, फिर आपको जल्द ही अपना जवाब आज या तो कल इस प्रोग्राम में जरूर मिल जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच कि आपने लाहौर से कॉल की। अच्छा जी इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं, छोटा सा ब्रेक के बाद आप सारे आपके कॉल का सिलसिला जारी रहेगा। पूरे पाकिस्तान से आप कॉल कर सकते हैं, प्रोग्राम का नाम से गुड मॉर्निंग कराची है लेकिन बात होती है पाकिस्तान से बाहर भी, जहां से आप इजी है फोन करें, नंबर आपका स्क्रीन पर चल रहा है, देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची। वेलकम बैक ब्रेक में, तो फिर गुड मॉर्निंग कराची, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने गुफ्तगू की बहुत सारे मामलात के हवाले से जिस वक्त चल रहे हैं करंट, और अभी मजीद भी आगे बात कर रहे हैं जी। इस वक्त रमजान की भी आमद आमद है, मैं एक बार फिर बता देते हैं जी, और मुसलमानों का बड़ा ही मुबारक महीना, और वो महीना जिसका हमें पूरे साल इंतजार होता है, अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, तो उसकी बस अब आमद आमद 1 से 2 दिन रह गए हैं, और उसमें भी जो है खुसूसी जो ट्रांसमिशन और प्रोग्राम है उनका जो है वो हम कोशिशों में है कि आपके लिए अच्छी से अच्छी चीज लेकर आए, और तरीके से तमीज के साथ, जैसे पिछले साल भी ट्रांसमिशन की थी बड़े तरीके से और बड़ी सोफिस्टिकेटेड वे में, उसी वे में हमारी कोशिश है कि इस दफा भी आपके सामने चीजें लेकर आई जाए। बिल्कुल आपने ठीक कहा, हमारी कोशिश हमेशा से ये रही है कि आपके लिए ऐसे प्रोग्राम ज्यादा से ज्यादा लेकर आए जिसमें आपको कुछ सीखने का मौका मिले, कुछ उसमें हेल्थी डिस्कशन हो, कोई ऐसी चीजें हो जिससे आपको देखने का दिल करे। बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, और जैसा भी हम देख रहे थे ऑनरेबल सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो है वो फैसला भी आया, तो उनके हवाले से भी हम बात करेंगे। बहरहाल एक लाइव कॉलर हैं, उनको जो है हम शो में शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहां से बात करें? लाइव कॉलर हैं इस वक्त? मैं लाहौर से बात कर रही हूं। जी जी हिना। जी जी फरमाइए, क्या कहेंगी हिना? सर हम लोग ना क्या कहते हैं बच्चों की वजह से बड़े परेशान है, जो उनकी एजुकेशन के लिए हम लोग एनुअल फंड जमा करवाते हैं साल का। जी जी ठीक है, फिर उसके बाद जो ये समर वेकेशन आ जाता है अलग चार्जेस करते हैं। ठीक है, निजी स्कूलों में जो हाल है फीसों का भी इन चीजों का भी, तो मेरे ख्याल से यहाँ कोई रूल्स नहीं है कि बच्चों को किसका पढ़ाया जाए किसका कुछ भी, कहने बस ये पैसा कमाने वाला काम है। बिल्कुल 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 सही है। और दूसरा कि बंदा बड़े बड़े स्कूलों में तो छापे मारता है देखता है, निजी स्कूलों में भी जाके इंक्वायरी की पता चले बच्चे क्या पढ़े या इनके मैडम जो भी हैं क्या करते हैं। सही ठीक ठीक है ना, आपकी हमने शिकायत और जो आपका मसला है वो नोट कर लिया, और बहुत शुक्रिया कि आप लोग लाहौर से आज कॉल ज्यादा आ रही है, वैसे लाहौर वाले कॉल कर रहे हैं प्रोग्राम देख रहे हैं, आप लोग का बेतहाशा शुक्रिया कि आपने K21 का और गुड मॉर्निंग कराची का इंतखाब किया है। मैंने जिससे पहले भी कहा प्रोग्राम में हमने अर्ज की हम राणा मशहूद साहब जो कि एजुकेशन मिनिस्टर है इस सारे मामला पे हमारी कोशिश होगी कि उनसे गुफ्तगू करें जी। अच्छा ये जो पूरा सिलसिला है खासतौर पर लाहौर से जैसे कॉल आ रही है, ये तो मसला पूरे पाकिस्तान का है, चाहे सिंध का हो चाहे पंजाब का हो चाहे खैबर पख्तूनख्वा का हो चाहे बलूचिस्तान का, ये प्राइवेट स्कूल्स की जो खासतौर पर जो फीसिस का स्ट्रक्चर है ये बहुत ही खतरनाक चीज है, इसको रेगुलेट करने की जरूरत है। पंजाब की भी अगर बात कर लें तो एक ग्रुप जो है वहाँ इमर्ज हो रहा है जो पूरी जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी एजुकेशन को जो है वो कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा है,
और अब इसके ऊपर अथॉरिटीज के एक्शन लेती है, ये हमें देखना होगा और किस तरह इसको जो है वो ऐसा बनाना है कि एक आम आदमी का एक्सेस हो प्राइवेट एजुकेशन पे भी, वो चाहे तो वहां से तालीम हासिल कर सकता है। इतनी ज्यादा फीसेज जो वो चार्ज की जा रही है लाहौर से, जैसे भी खासतौर पर बैक टू बैक कॉल्स आई हैं जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको रेगुलेट करने के लिए अभी तक कोई पॉलिसी वजह नहीं की गई है। और ये हमारी रिक्वेस्ट है जो वहाँ की अथॉरिटीज हैं, राना मशहूद साहब हैं या चीफ मिनिस्टर पंजाब शहबाज शरीफ साहब हैं, वो इसके ऊपर खासतौर पर एक्शन लें क्योंकि ये पंजाब का भी एक दहीना मसला है और बिलखसूस वहाँ का जो सबसे बड़ा शहर है लाहौर, वहाँ का ये सबसे बड़ा मसला है। बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि जिस तरह की फीसिस का स्ट्रक्चर है वो बेयर करना बहुत यहाँ पे भी बहुत मुश्किल है ना। अब आप देखें कि अगर किसी की तनख्वाह 20-25 हजार रुपए है, ठीक है, और 10-10 हजार रुपए स्कूल की फीस होगी तो वो क्या करेगा, बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? पर यहाँ पर भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, यहाँ तो बहुत हर बच्चे को 50 हजार तक पहुंच गए हैं। अब आप बताएं फंड्स के नाम से जो जी इसलिए महीने के वो कोई 25-30-40 हजार पे पहुंच गए मामला की, उसमें जी वो 15 हजार ट्यूशन फी होती है, फिर उसके अंदर वो एनुअल चार्जेस होते हैं, फिर वो कोई लैब चार्जेस होते हैं, वो फिर उसके बाद आईटी चार्जेस होते हैं कंप्यूटर के लैब के अलग, फिर वो साइंस लैब के अलग चार्जेस हैं, फिर उसके अंदर जो है वो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज एक्स्ट्रा करिकुलम के तो है ही एक पता नहीं कोई मिसलिनियस के नाम से बीजी एक सेक्शन बना दिया है, वो एक चार्जेस होते हैं। उसके अलावा जो है फिर बहुत सारे पता नहीं कौन कौन से चार्जेस हैं जो कि लिए जाते हैं जिसके नाम पर ब्लैकमेल किया जाता है माँ बाप को। मैं स्ट्रेट अवे कहूंगी कि ब्लैकमेलिंग है ये, इट्स नथिंग पार्ट ऑफ इट कि ये सिर्फ ब्लैकमेलिंग है, स्ट्रेट अवे कुछ नहीं है। यह आपको रेगुलराइज करना पड़ेगा इसलिए क्योंकि आप देखें बहुत इंतहाई हाई फीसेज हो रही हैं। या तो आप इस तरह करें जी प्राइमरी तक जो है जितने भी, और एक मीट करना पड़ेगा कि जितने स्कूल हैं चाहे वो प्राइवेट हैं गवर्नमेंट है जो भी है जिसको भी करना है, या तो आप रेंज डिफाइन कर दें कि प्राइमरी तक यानी कि 5 क्लास तक आप 5000 से अबव फीस नहीं ले सकते, फिर आगे सेकेंडरी में आप जाएं और उसमें आप ये रेगुलराइज करें कि जी 8000 से ज्यादा या 10000 से ज्यादा मैक्सिमम इंक्लूडिंग एवरीथिंग आप चार्जेस नहीं ले सकते, उसी में आप मैनेज करें। तो मेरे ख्याल से इट्स फेयर इनफ, ये 10000 से जो ऊपर चले गए हैं मामलात, ये 8000-10000 से ऊपर, अच्छा मेरे ख्याल से ये भी हमारे यहाँ औसत जो तबका है वो ये भी नहीं पे कर सकता, मुझे बहुत अच्छे से पता है, लेकिन मैं एक जनरल बात कर रही हूँ। तो ये इससे कम या इस रेंज में या इस तरह एटलीस्ट आप 10 तक तो 8 या 10,000 के अंदर अंदर आप इसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा। इससे अब आप जाएंगे तो आपके लोग मर चुके हैं, माँ बाप मर गए, उनकी कमरें दुख चुकी है कि वो जाए अपने बोझ लाद लाद के बच्चों का। और फिर आपने एक और शुरू कर दिया है गेम, वो ये हर साल जो है वो आप कोर्सेस चेंज कर देते हैं, ये धंधा एक और बना दिया है। अच्छा ये भी धंधा है बाकायदा, क्योंकि वो जो किताबें हैं वो फिर दोबारा से, ताकि बच्चे, पहले तो ये होता था ना मैंने आपने पढ़ा और उसके बाद हमारे जो बहन भाई हैं वो उनको भी दे दिया कि यार ये ले लो और तुम फिर कर लेना, हमने संभाल के रखी अपनी किताबें और वो आगे ट्रांसफर कर दी, फिर उन्होंने आगे ट्रांसफर कर दी। अब तो वो धंधा बन गया है कि नहीं हम ही ने जब लिया एक 50,000-1,00,000 रुपए तक का कोर्स लें आप, और उसके बाद अगले साल जी कहा जाता है कि आप दूसरी पब्लिशर का, उसके अलावा जो टेक्स्ट बुक हैं जो नोट बुक्स हैं वो भी अब स्कूल जो है वो अपने लोगो और मोनोग्राम के साथ जो है वो बेच रहे हैं उसके ऊपर। नहीं कहते स्कूल से ले खाली, स्कूल में खोलनी है, अब स्कूल में शॉप खोलनी है जी, तो वो हजारों रुपए की जो एक कॉपी मार्केट के अंदर, जो हमारे रिपोर्टर है उन्होंने हमें बताया भी था प्रोग्राम के अंदर की जो एक कॉपी मार्केट में जो 50 रुपीज की या 40 रुपीज की मिलती है वो स्कूल से अगर आप लेने के लिए जाएंगे तो 250 और 300 तक की जो वो दी जा रही है, तो ये भी एक सिलसिला शुरू हो गया। तो इसको रेगुलेट करने की अब जरूरत मतलब है, ये माफिया बहुत सारे माफिया yes, बन गए। मतलब आप जहाँ से जब कह रहे थे हम हॉस्पिटल की बात कर रहे थे कि मेडिकल अपने अपने बहन भाइयों के या उसके उस पे खोल लिया अपने ही हॉस्पिटल में मेडिकल, जो अब जहाँ मेडिकल माफिया एक धंधा है, सुप्रीम कोर्ट को और चीफ जस्टिस साहब को इस पे भी आपको नोटिस लेना चाहिए जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। और वो ये कि जब आप ये देखे ना कि जब जिस तरह से आप मेडिकल खोल के स्टोर्स, मेडिकल स्टोर्स, फार्मेसी खोले हुए जो अपने अपने ये हॉस्पिटल से धान दिया की क्यों कि वो कहते हैं यहीं से लो, क्यों लें भाई, मतलब क्या मसला है, क्यों लें, किस वजह से लें, मसला क्या है, वजह क्या है, क्यों? ये तो ब्लैकमेलिंग है ना, तो आप हमारी लेबोरेटरी से कराएं या हमारे फार्मेसी से लें, क्यों? इसी तरह स्कूल वालों ने, और ये आज से नहीं ये धंधा चल रहा है करीबन हमारे, हमने भी अपने टाइम पे भी बहुत सारी चीजें देखी कि वो क्या करते हैं अपने ही स्कूल के अंदर अब कैफेटेरिया जो बुक स्टोर्स हैं वो उन्होंने खोल ली हैं और उन बुक स्टोर से कहेंगे कि यहीं से आप सिलेबस लें, किताबें भी लें, कॉपियां भी लें। वो एक कॉपी जो बाहर आपको 20 रुपए की मिलती है
वो वहाँ पे आपको 120 रुपए की मिल रही होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और जिस तरह वो एक बुक जो आपको बाहर 500 रुपए की मिल रही होगी, चलो वो डिस्काउंट रेट चल रहे होते बाहर जो जितने भी जो बिग बाजार के नाम से, जिस तरह उर्दू बाजार बिग बाजार के नाम के होते हैं कि वो डिस्काउंट दे रहे होते, अगर वो उसमें 500 रुपए पे वो दे रहे हैं 20% 10% ऑफ, तो वो वहाँ पे बल्कि वो 650 रुपए की बुक मिल रही है। ऑप्शन भी खत्म हो गया कि लोगों के पास पहले चॉइस हुआ करती थी कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग पुराना कोर्स खरीद लेते थे। पाकिस्तान में हर जगह ही वैसे ही उर्दू बाजार और इस तरह के जो बुक बाजार्स हैं वहां से जाके पुराने कोर्सेज ले लेते थे, लेकिन अब ये सिलसिला भी इन्होंने खत्म कर दिया। जिस तरह तेजी से शफलिंग हो रही है तो ये एक बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। लोगों की पहुंच से जो है वो तालीम जो है बेसिक एजुकेशन जो है वो दूर होती जा रही है। और दूसरी तरफ जो है वो अच्छा लाहौर से एक और कॉलर है, उनको भी शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए कैसी हैं? ठीक ठाक हैं। अपना नाम बताइए क्या? जी मिसेस तजम्मुल बात कर रही हूँ। जी मिसेस तजम्मुल फरमाइए क्या कहेंगी? मुझे आपका शो बहुत पसंद आया, जिस मौजू पे ये शो आपका चल रहा है जी बहुत पसंद आया जिस मौजू पे है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक है, क्योंकि देखिए अब हमने जो स्कूलों में फीसें दो दो माह की दी है, वो क्या वो अगले माह में वो हो जाएगी? इस तरह 10,000 जिसकी तनख्वाह हो वो दो दो माह की फीस किस तरह वो देगा स्कूल, मुझे ये बताए थे। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल बिल्कुल सही। ठीक है, और 500 उन्होंने एक्स्ट्रा लिए हमसे, समर जो छुट्टियों की छुट्टियों का काम मिलना है उसका हमें 500 दे आप 500 और लिया है एडिशनल चार्जेस यानी कि मज़ीद इजाफी। ये मुझे बहुत पसंद आया आपका शो, और मैं आपसे यही दरख्वास्त करूंगी जो गरीब तबका है उसके हक में भी आप तवज्जो दें, और ये पंजाब किस तरह पड़ेगा ये हमें आप बताएं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया मिसेस तजम्मुल, आपने लाहौर से कॉल की। लाहौर से कॉल आ रही है जी, हमारे कॉलर इस वक्त लाहौर से कॉल कर रहे हैं। हमारी कोशिश है हम राब्ता करें एजुकेशन मिनिस्ट्री से लाहौर में किसी न किसी। बिल्कुल राना मुर्शिद साहब से इसके ऊपर बात करेंगे, बल्कि चीफ मिनिस्टर से भी इस बारे में जरूर बात करेंगे। बल्कि सिर्फ कराची की नहीं पूरे पाकिस्तान का ये मसला है, और हम हमेशा कहते हैं कि हमारा मकसद यही है कि जितने भी पाकिस्तान के लोगों के मसाइल हैं, आम आवाम के जो मसाले हैं उसके ऊपर बात करें। लाहौर शहर की हम बात करते हैं तरक्की के हवाले से, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की हमेशा हम उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन जब बात आती है एजुकेशन की, आम आदमी के मसाइल की, और बहुत सारे छोटे इलाके हैं जहाँ पर अभी भी सीवरेज का मसला है, पानी का मसला है। गुजारिश हमारी आपसे ये है खासतौर पर जो लाहौर में हमारे बहन और भाई ये प्रोग्राम देख रहे हैं कि आप अपने इलाके के हवाले से हमें बताइए। बहुत सारी चीजें हम उससे आगाह नहीं है क्योंकि हम यहाँ कराची में बैठे हैं, बहुत सारे चीजों के बारे में नहीं इल्म, आप ज्यादा बेहतर तौर पे हमें बता सकते हैं। फीसिस के हवाले से जैसे हमारे लिए भी अभी हैरान कन है कि जिस तरह से पैसों के बारे में बताया जा रहा है कि इजाफा किया गया, फीसिस में इजाफा किया गया, तो ये हमारा मौजू है। हमारी हमेशा से कोशिश यही है कि आपके मसाइल को डिस्कस करें, और आज से क्या इंशाल्लाह आने वाले सारे ही प्रोग्रामों में लाहौर के, फैसलाबाद के, और जितने भी पाकिस्तान के इलाके हैं वहां पर जो ये मामलात हैं उसको डिस्कस करेंगे। जैसे भी आपने कहा कि गुड मॉर्निंग कराची जरूर टाइटल है, लेकिन है ये पाकिस्तान का प्रोग्राम और पाकिस्तान के मसाइल के हवाले से बात। पाकिस्तान पाकिस्तान से बाहर भी जो है, जो हमारे बहन भाई वो भी और जितने भी लोग हैं सर, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनका पाकिस्तान से ताल्लुक है, या फिर आप पाकिस्तान से बाहर भी जो भी सूरत हाल मर्ज हो रही है, भी हम तुर्की गए वहाँ पे हमने की चीजें आपको, हम हमारी कोशिश होती है कि एक चीज को बताए सही तरीके से कन्वे करें, प्रॉपर तरीके से कन्वे करें, बगैर किसी जैसे कहते हैं ना कि जो यहाँ पर मिर्च मसाले लगाए जाते हैं उसको लगाए बगैर हम स्ट्रेट अवे आपको वो चीज बताएं जो कि है। और साथ ही साथ जहाँ एजुकेशन की बात आ रही है, एजुकेशन पे बड़ा मैं बहुत खुश हुई कि लाहौर से लोग देख रहे हैं प्रोग्राम को। मैं एक मतलब फिर आप लोगों के शुक्रगुजार हूँ कि आप प्रोग्राम का इंतखाब किया, चूंकि लाहौर के अपने बहुत सारे इस वक्त प्रोग्राम्स और सिटी स्टेशंस भी हैं, लेकिन उसको छोड़ के आप हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, हमारे प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, आपका बेहद शुक्रिया। और आपके लिए हम जरूर बात करेंगे, अभी हमने कहा राना मशहूर साहब एजुकेशन मिनिस्टर है, उनसे कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरह से रब्ता करें, जिस तरह से हम कराची या सिंध या दीगर या केपी या दीगर शहरों के हवाले से जब बात कर रहे होते हैं कोई मसाइल के हवाले से, तो हम उस मौजू पे रेलेवेंट पर्सन से बात करते हैं, कंसर्न अथॉरिटी से बात करते हैं। तो एजुकेशन के हवाले से हमारी कोशिश होगी कि पंजाब में इस वक्त जो लोग हैं एक्टिव और कंसर्न अथॉरिटी है जो भी सारी, उसमें से किसी ना किसी से रब्ता करके इसका कोई ना कोई प्रॉपर सोल्यूशन निकाले, और कोई इस पे जो है वो बात हो, और इसके ऊपर डेफिनेटली काम किया जाए कि जो एजुकेशन का हवाले से फीसिस का मामला है, फीस स्ट्रक्चर का मामला है, इसको ऊपर तो वैसी नजरसानी की बड़ी अशद जरूरत है पूरे मुल्क के अंदर, क्योंकि फीस स्ट्रक्चर बहुत हाई है,
स्कूल माफियाज ने अंधेर नगरी मचा के रखी हुई है। ये सेम वही मामला है जैसे केएससी का मामला है। मैं तो इसको वैसे ही जो है वो एड्रेस करूंगी या समझूंगी, इसको लूंगी उसी तरह से, क्योंकि वहां पे भी यही मामला आते हैं कि कोई परेशानी आ रही। यहाँ प्राइवेट स्कूल के ऊपर भी कोई सर, आप देखें एनुअली नहीं क्वार्टरली, और जिस तरह से बाय एनुअली या क्वार्टरली जो है वो ऐसे पीसेस का स्ट्रक्चर बढ़ रहा होता है, 1000 रुपए बढ़ जाते हैं, 2000 रुपए बढ़ा दिए, मतलब क्या है मतलब ये देखें मतलब कि एक चीज अभी पता ये चलिए कि जनाब अब जून जुलाई के अंदर कुछ स्कूल्स की जानिब से ये ऑफर रखी गई है, कोई समर कैंप वगैरह जो वो इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, वो होना ये है कि उसमें वही मामला सारे चल रहे जो आम दिनों में चलते हैं, 9 से लेके 11 बजे तक या 12 बजे तक बच्चों को बुलाया जाएगा और उसकी फीस अलग से चार्ज की जाएगी। अच्छा लाहौर से ही एक और कॉल आ रहा है, उनको भी शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? अच्छा टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दीजिएगा। हेलो, आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दीजिए पहले। मैं मिसेस ओरफली बात कर रही हूँ। जी मिसेस ओरफली बोलिए। जी सर, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, हम लाइव देख रहे हैं, बहुत अच्छा लगा जो आप गुफ्तगु जी का भाषण कर रहे हैं। मेरे ख्याल से बहुत लाहौर में बहुत स्ट्रेस होंगे कि आप तो एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। जी जो जो गरीब घर गरीब के घरों के बच्चे नहीं पढ़ सकते वो भी पढ़ेंगे, लेकिन ये जो टीचर आके मार खा देती है ना सर, हम लोग बिल्कुल रह जाते हैं। अच्छा मिसेस ज़ोरफ़ली ये बताइएगा कि एक आपके कितने बच्चे हैं जो कि इस वक्त स्कूल जाते हैं? मेरे हमारे माशाल्लाह 6 बच्चे स्कूल जा रहे हैं। 6 बच्चे माशाल्लाह से स्कूल जा रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा कि वहाँ प्राइवेट स्कूल की औसतन फीस क्या चल रही है इस वक्त? 1600 रुपए, 1800 रुपए और 2000। अच्छा ठीक है, ये निजी स्कूलों की मैं आपको बता रही हूँ, जो हम सिर्फ गली में जो स्कूल छोटे और जो हाल पावर है जो हम नहीं अफोर्ड कर सकते, आप सोच सकते हैं उसी तरह आप एकेडमी भी है, निजी स्कूल में एकेडमी भी है, आपने अगर स्कूल पढ़ाना है उन्हीं एकेडमी में आपने बच्चों को भी पढ़ाना है, बुक भी वहीं से लेनी है, कॉपीज भी वहीं से लेनी है, पेंसिल रेजर जो भी है उनके अलग चार्जेस हैं, बिल्कुल सेपरेट। जून जुलाई के भी कुछ पैसे आपसे लिए गए? यस सर, जून जुलाई की भी फीस ली है, जुलाई अगस्त की उन्होंने करनी है। अच्छा वो तो पहले ही सही, यही तो कहते हैं कि पंजाब पढ़ेगा तो कैसे पढ़ेगा, ये कहें लाहौर में तो बहुत ही है, कराची में तो होता है लेकिन लाहौर में तो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ठीक है, ऐसे लेंगे तो पता चलेगा ना कि हाँ जी बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, स्कूल तो जाता है लेकिन ये नहीं पता कि वहाँ से फीस क्या है। बिल्कुल सही। अच्छा और तालीम का मयार किस तरह से है, तालीमी मयार से आप लोग, निजाम से आप लोग जो है वो मुतमईन है लाहौर में? सर मैं आपको कह रही हूँ जिस स्कूल में स्कूल बच्चा पढ़ रहा है उसी स्कूल में अकेडमी भी पढ़ेगा, तो उन्होंने वही पढ़ाना है जो स्कूल में पढ़ा रहे वही अकेडमी में पढ़ा रहे हैं। बच्चे को तो उन्होंने क्या कहना है, माँ को तो प्रेस करना है कि हाँ जी आपका बच्चा बिल्कुल सही है, ये नहीं है हम लोग तो फीसें भर रहे हैं। अच्छा बिल्कुल सही, ठीक है ठीक है, आपने बड़े ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें प्रोग्राम में कॉल की। अच्छा ये से, जो बता रही हूँ ये समझे ट्यूशन जो है वो कंपलसरी हो गया है और वो स्कूल के अंदर ही अकेडमीज बना दी गई हैं, यानी ट्यूशन सेंटर्स बना दिए गए हैं, वो स्कूल टाइमिंग से हट कर है, उसकी भी फीस चार्ज की जा रही है। अभी 1600 से 1800 एक ये जो लोटियर स्कूल है उसकी बता रही है, और वो डबल फीसें 1600 से 3200 रुपए जो है वो देने पड़ रहे हैं, लाहौर में रहने वालों की अभी बात हो रही है, और फिर जो बड़े स्केल के स्कूल है जो फर्स्ट ईयर में आते हैं वो जनाब उनकी फीसें जो उससे कहीं ज्यादा हैं और फिर उनका स्ट्रक्चर जो वो और मुख्तलिफ है, तो ये तो पूरे पंजाब का मसला जो है वो नजर आता है, और लाहौर की अभी बात हो रही है, सबसे ज्यादा कॉल जो है वो लाहौर से मौसूल हो रही है। बहुत खुशी भी हो रही है कि आप लोग वहाँ प्रोग्राम देख रहे हैं, प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, एक मतलब फिर आप लोग का बेहद शुक्रिया। मैं जानती हूँ वहाँ बेतहाशा स्टेशन है, वहाँ अपने सिटी स्टेशन भी बहुत सारे हैं, लेकिन आप लोग K21 का इंतखाब कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग कराची का इंतखाब कर रहे हैं, हमारी बातों का इंतखाब कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इस 2 घंटे के लिए आप हमारे साथ मौजूद हैं जी, और हमारा हमेशा से मौजूदात जो है वो यही रहे कि आपके मसाइल के हवाले से हम बात करें, उसी पे ज्यादा हमारा फोकस रहता है। स्पेशली हमारी कोशिश यही होती है कि प्रोग्राम का नाम मैं एक फिर बता दूं, गुड मॉर्निंग कराची तो है लेकिन हम बात करते हैं पूरे मुल्क के हवाले से, मुल्क से बाहर भी जो इश्यूज हैं, आपसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो इश्यूज हैं उसके ऊपर गुफ्तगु करते हैं। एक चीज का और तस्करा कर देते हैं क्योंकि ये एक बड़ा आम मौसम है, देखें जहां से भी सबसे ज्यादा शिकायत मौसूल होती है हमारी कोशिश ये होती है कि उसके ऊपर एक फॉलो अप जरूर लिया जाए, एक प्रोग्राम और किया जाए, बल्कि कई एक प्रोग्राम हमने किए हैं, खासतौर पर जैसे कराची के अंदर कुछ इलाके हैं, कुछ पॉकेट्स ऐसी हैं जहाँ पर पानी की जो सूरत हाल बड़ी बढ़ रही है,
آج بھی ہماری کوشش یہ ہے کہ اس کے اوپر جو پروگرامز کریں, زیادہ سے زیادہ بات کریں. اب کیونکہ لاہور سے کالز آئی ہیں, اتنی ساری کالز موصول ہوئی ہیں اور ایجوکیشن کے حوالے سے آئی ہیں, کیونکہ یہ مسئلہ تو پورے پاکستان کا ہے. جیسا ہم نے عرض کیا کہ کراچی کے اندر بھی ہے, کراچی میں تو اس سے بھی بہت زیادہ ہائی ہے. تو آپ 1600-1800-2000 کی بات کی ہے, یہ لو اسکول کی. اگر لو اسکول کراچی میں چلے جائیں, جیسے میں نے بتایا کہ 5-10,000 روپے کی فیس ہے, 2000 سے اسٹارٹ ہو رہی ہے. بالکل بالکل, یہ اس کے اوپر ان شاء اللہ آپ پروگرام کرتے رہیں گے. اور ہماری گزارش یہی ہے کہ جو لوگ ابھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, خاص طور پہ لاہور سے جو ہمارے لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, وہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اور کون سی مسائل ہیں, مشکلات ہیں جن کو ان کو سامنا ہے. ابھی تک جو مسئلہ آیا وہ ایجوکیشن کے حوالے سے آیا, تو یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ ایجوکیشن کے اوپر ہم جو ہے وہ ضرور پروگرام کریں گے. اور وہاں پہ جتنی بھی اتھارٹیز ہیں, رانا مشہود صاحب ہیں یا چیف منسٹر صاحب ہیں, ان کو اپروچ بھی کریں گے اور ان سے ضرور یہ چیز ڈسکس بھی کریں گے. اور آپ کے سامنے بھی ان سے جو یہ سوال کریں گے کہ یہ سارا نظام جو ہے, یہ سارا اسٹرکچر ہے, اس کو کیسے کنٹرول کریں گے اور کون اس کو کنٹرول کرے گا. آپ نے دیکھے نا, ماشاء اللہ سے ان کا 6 بچے ہیں, 2000 روپے بھی آپ فیس لگا لیں تو 12,000 تو اسٹریٹ اوے یہ ہوگا ٹیوشن فی, باقی الگ ایڈیشنل چارجز لگا وغا کے سمجھ لیں. جولائی کے آلریڈی پے کر چکے ہیں, کم سے کم بھی 18,000 روپے تک تو یہ فیسوں پہ ہی بچوں کے جاتے ہوں گے. 6 بچوں کے جو ان کے مہینے کے 18,000 روپے بھی نکالنا, تنخواہ دار جو طبقہ ہے اس کے لیے بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. آپ کے پاس نوکریاں نہیں ہیں, آپ کے پاس تجارت صنعتی اور جو تجارت کا جو سارے معاملات ہیں وہ نہیں ہیں, آپ کے پاس بزنس انویسٹمنٹ اتنی نہیں ہے, اپرچونیٹیز نہیں ہے کہ آپ اپنے بزنس کر سکیں. تو الٹیمیٹلی جو آدھے سے زیادہ اس ملک کی جو قوم ہے, جو عوام ہے, وہ جو انحصار کرتی ہے وہ جابس پہ کرتی ہے. تو جابس بھی آپ کے پاس بہت کم ہے. تو ایک بندہ اگر اس کی 50,000-25,000-30,000-40,000 اس رینج میں اگر تنخواہ ہے اور وہ 20-25,000 روپے اس کو ایجوکیشن پہ نکال لیں اپنے بچوں کے, تو باقی 20-25,000 میں کیسے پورا گھر چلائے گا؟ آپ یوٹیلیٹی بلز اس کے اندر ایڈ کر لیں اور دیگر اس کے اندر ایکسپینڈیچر کو اس پہ شامل کر لیجئے, جس میں اور بھی میڈیکل کے بھی کچھ لوگوں کے ایشوز ہوتے ہیں, کیونکہ گھر کا رینٹ جاتا ہے, لوگوں کے پاس گھر اپنے نہیں ہے زیادہ تر, گیس بجلی پانی راشن آپ ساری چیزیں سوچیں. اب رمضان المبارک کیونکہ اب اس کا آغاز ہو جائے گا, اب یہ مہنگائی کی صورتحال کراچی میں نہیں پاکستان کے ہر کونے میں یہ مسئلہ رہے گا. اور اب دیکھنا ہے کہ اتھارٹیز اس کے اوپر کیا کام کرتی ہیں, چاہے وہ پنجاب ہو, چاہے سندھ ہو یا کوئی بھی دوسرا صوبہ ہو, یہ جو بڑھتی ہوئی قیمتیں اس کو کیسے کنٹرول. اور ہم ڈائریکٹ اتھارٹیز سے ہی بات کرتے ہیں, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ انالیسس پر مت جائیں, پر مبنی نہ اس کو کریں, کیونکہ آپ کا مسئلہ حل کرنا ہے. جیسے میں نے اسلامک اس پوائنٹ آف ویو سے, جو ہمارا ریلیجیس افیئرس کے جو حوالے سے میں نے آپ کو پچھلے ہفتے ایک بات بتائی تھی کہ آپ لوگ کی جب بہت ساری کالز آ رہی تھی کہ حج کے معاملے پر, تو وہ حج کے ایشوز آپ مجھے ڈائریکٹلی یہاں بتا سکتے ہیں. اس پروگرام میں ہماری بات ہوئی تھی مذہبی امور کے محکمے سے, اور ان سے ہم نے بات کی کہ وہ لوگ جن کی ہمارے پاس کالز آئی تھی بتاشا, دو چار کالز ایسی تھی ایک پروگرام میں, بلکہ زیادہ ہی کالز آئی تھی اس پروگرام میں, وہ پورا ہمیں حج کے اوپر لے جانا پڑتا کہ لوگوں کی یہ کمپلینس تھی کہ 65 سال سے ابو یا 75 سال تک کے جو لوگ ہیں, جو 3-4 دفعہ اپلائی کر چکے, ان کا نام نہیں آیا حج میں, ان کو پریورٹائز کر کے ان کو بھیجا جائے حج کے لیے. تو اس پہ ہم نے بیک ڈور سے بات کی تھی کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے مسائل حل ہوں, تو اس میں ہمیں پازیٹو ریسپانس ملا ہے, تو یہ بہت اچھی بات. تو ہماری کوشش ہوگی کہ وہاں پہ بھی جو ہم بات کریں. ٹھیک ہے, اجاز احمد خان صاحب کمشنر کراچی ہمیں جوائن کر چکے ہیں, ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. بہت شکریہ اجاز احمد خان صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. سر یہ بتائیے گا کہ اب بڑھتی قیمتوں کے حوالے سے لوگوں کے بڑے کنسرن ہیں, اس کو کیسے ایڈریس کریں گے؟ اور رمضان المبارک سے پہلے جیسا ہمیشہ ہوتا ہے کہ ایک میکینزم دیا جاتا ہے, ایک پرائس کنٹرول اتھارٹی بنائی جاتی ہے, ریٹ لسٹ دی جاتی ہے, وہ سلسلہ اس دفعہ بھی رہے گا؟ کس طرح کنٹرول کریں گے اس کو؟ آپ کا بہت شکریہ. آپ کا یہ ہے کہ یہ پرائس کنٹرول اتھارٹی آلریڈی موجود ہے. اور سر موجود تو ہے لیکن افیکٹو نہیں ہے, پرائسز تو پھر بھی بڑھ جاتی ہیں, اس کو کیسے کنٹرول کریں؟ آپ کہہ رہے ہیں نا, مجھے مطلب نہیں ہے یہ آپ کا جو ہے, یعنی مجھے مطلب آپ کا مطلب رائٹ ہے کہ آپ سوال کریں, بٹ لیکن مجھے اس کا آپ اچھا جواب دیجیے, پھر اس کے بعد جو آپ کا ہو تبصرہ وہ آپ کرتے رہیے. جی جی, دھیان دیں کہ آپ نے پچھلے سال بھی رمضان مبارک میں جو میں نے پرائس سیٹنگ کی ایکٹیویٹی کی تھی, تو میں آپ کو فگر آپ کسی ٹائم پر آپ کہیں گے تو میں لا کے آپ کے ساتھ اپنا شیئر کر لوں گا. ٹھیک ہے, کہ گزشتہ کئی سالوں کے کمبائنڈ فگر were not even equal to my one month, جو میری ایک مہینے کی میری ایکٹیویٹی تھی پچھلے کئی سالوں کے مت فکر اس کے مت جو ہے مت برابر جو ہے برابر جو ہے برابر نہیں. ایک تو یہ بات آپ نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آج شام سے ہی 6 کے 6 ڈسٹرکٹ میں, ہر ڈسٹرکٹ میں ایٹ لیسٹ کم از کم 50 سے زائد جو ہے انسپیکشن دوں گی. ٹھیک ہے, اس لیے آپ اندازہ لگا لیں 6 ڈسٹرکٹ ہیں تو 6 ملٹی پلائی بائی
50 यानी 300 जगहों पर डेली मिनिमम जो है मतलब चेकिंग होगी, इससे और ज्यादा मत पॉसिबल। ठीक है जी, एक बात। दूसरी बात ये है कि जहां तक आपने वो चीजों के महंगे होने का मत कहा है, अगर गॉड फॉरबिड मैंने चोरी करने का तैयार कर लिया है तो आप दुनिया का कोई भी मुझ पर आप कानून आप लागू कर दें, मैंने चोरी जो है मुझ कर दी। अच्छा, दिस इज अ वेरी यानी आई मीन अनफॉर्चुनेट मतलब पार्ट ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड, जब दूसरी कौमों में या दूसरे मत मजाहिब में कोई इस तरह की वहाँ चीजें आती हैं तो जो है वहाँ की बिजनेस कम्युनिटी जो है वो आवाम को रिलीफ देती है, जबकि आई मीन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ की बिजनेस कम्युनिटी हर तरह के हीले वाहनों को इस्तेमाल करके अवाम उन्नास को लूटते हैं। ये एक हमारा सैड एस्पेक्ट है, ये एक हमारा अपना ट्रेजेडी है, इस पर मैं और आप लिख सकते, लेकिन मैं पूरे कराची को आई मीन अश्योर कराता हूँ कि हत्तुल इम्कान जितनी बेस्ट पॉसिबल और स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल अपना चेकिंग और रेगुलेशन हो सकती है वो इंशाल्लाह मैं इंश्योर करूँ। अच्छा इजाज साहब, एक चीज हम जानना चाहेंगे, साहब आपने कहा कि आप इकदाम कर रहे हैं 6 के 6 डिस्ट्रिक्ट के हवाले से भी आपने बताया। अच्छा अभी वेरी अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो हमें एक दरीना हमारा मसला हमेशा हमें नजर आता है, खास तौर पर जब माह मुबारक का ये जो रमजान मुबारक का महीना आ रहा होता है उस वक्त खास तौर पर, जैसे अभी हमने देखा कि गुज़िश्ता हफ्ते चिकन के रेट्स एकदम से इतने हाई हो गए और अभी करीब ही है रमजान, 1 से 2 दिन में शुरू हो जाएगा महीना, लेकिन आप लोग कोशिश तो कर रहे होते हैं लेकिन वो कोशिशें इतनी इफेक्टिव क्यों नहीं हो पाती कि लोग जो है वो उसके ऊपर कंट्रोल रखें, एकदम से कोई भी एक्स वाई जेड मार्ट वाला या शॉप वाला दूध वाला कोई भी बात कर लें, कोई भी रिलेटेड रेलेवेंट कमोडिटी उठा लें आम लोगों से, उसके ऊपर एकदम से प्राइसेस बढ़ जाते हैं और उसके ऊपर चेक इन बैलेंस हो ही नहीं पाता। आपने जो सवाल किया है मैंने आपको यही कहा है कि जितने अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्स मेरे पास हैं यू कैन चेक इंडिविजुअली कलेक्टिवली कि वो दिन में इतना काम करता है कि नहीं। अच्छा उसके खिलाफ कार्रवाई क्या होती है? देखिए बात सुनूंगा, आप लोग आगे से फिर अपनी जो है बात शुरू कर देते हैं। अच्छा जवाब दें, चलिए जवाब दीजिए, इसका जवाब दें। मैं ये आपसे ये जो है अपना मतलब कहना चाह रहा हूँ कि ये खास तौर पे अब जब हम हैं ही कलेक्टिवली हम बेस, तो इसका हल ये है कि जो सबसे इसका आई मीन इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर है वो सिविल सोसाइटी है, वो भी ये वो रिजॉल्व शो करें कि अगर चिकन महंगा हो गया तो अपना चिकन पहली गली दें, जो वो मतलब अपना जिस फीड से मतलब चिकन मत बन रहे हैं वो हम सब जानते हैं, तो क्यों उसके पीछे इतना भाग रहे हैं, थोड़ा जो है मतलब कम खा लें चिकन, एक बात। दूसरी बात ये है कि जब ये मतलब महंगा कर रहे हैं उसके साथ साथ हमारा फर्ज भी है कि हम इनको हर तरीके से इनको हम चेक करें, बाउंड डाउन करें, इनको जो है मतलब जो है अपना मतलब इन पर हम जुर्माने करें और वो आज शाम से आपको नजर आने आपको शुरू हो जाएंगे। अच्छा इजाज़ साहब ये बताइएगा, और मैं यानी अगर आप चाहेंगे तो मैं रात को 8-9 बजे आपके चैनल के साथ आज के दिन की सारी कार्रवाई के कितने रेड किए, कितने जुर्माने किए, कितनों को जेल भेजा, वो सब आपके साथ में। बिल्कुल सर, हम चाहेंगे कि आप हमसे शेयर करें रात में भी, और दूसरा हम यही आपसे हमारे अर्ज यही है आपसे कि क्या ऐसा कोई मैकेनिज्म हो सकता है जैसे हम दीगर इदारों के साथ भी और लोगों के साथ अथॉरिटीज के साथ करते हैं कि हमारे पास अगर कंप्लेंट्स आ रही हैं तो हम आप तक उसको फॉरवर्ड करें और आप उसके ऊपर एक्शन लें। देखें हर जिले में एक कंट्रोल रूम है, उस कंट्रोल रूम में कोई ना कोई वहाँ स्टाफ ऑफिसर जो है मत बैठा हुआ है, खासतौर पर रमजान 6 के 6 डिस्ट्रिक्ट में है, और ये जो भी मतलब प्राइस लिस्ट होती है अपना मत जारी उसके नीचे ये नंबर जो है वो दिए होते हैं, और ये एक सालाना की एक नॉर्मल मतलब प्रैक्टिस है और आम आदमी उस पर चाहे तो जो है मत कर सकते हैं। मैं आपसे एक बात मैं शेयर करूंगा, यानी मेरे जो अपना कमिश्नर हाउस का ईमेल है उस पर अक्सर बेशतर लोगों की आती है मतलब कंप्लेंट, और मैं उसका बाय एंड लार्ज सेम डे का फॉलो अप करता हूं। अच्छा, तो हम भी आपके साथ कुछ इस तरह से आपके ताबुन के साथ मिलकर कुछ इस तरह लोगों के लिए कर सकते हैं कि हमारे पास कंप्लेंट अगर डायरेक्टली आ रही है तो हम वो आपको फॉरवर्ड अप करें। जी बिल्कुल करें, मुझे मतलब मतलब खुशी होगी, आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप शेयर कर रहे हैं। ठीक है हम बिल्कुल ये चाहेंगे कि आप हमारे साथ ताउन करें इस मामले में, क्योंकि हमारे पास डायरेक्टली जो आ रही है कंप्लेंट्स वो हम आप तक फॉरवर्ड अप करेंगे। एंड थैंक यू सो वेरी मच कि आपने कहा कि आप इसके ऊपर एक्शन लेंगे। बहुत शुक्रिया इजाज अहमद खान साहब, कमिश्नर कराची हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू हो रही थी जी, और उन्होंने कहा कि आज के दिन की जो पूरी शिफ्ट सारे जो जुर्माने और वो जो जितने भी फाइन्स वगैरह करेंगे या वो जो एक्शन लेंगे वो रात को जो है, तो ये नोट कर ले, मैं चाहूंगी हमारे प्रोड्यूसर साहब और
पीसीआर वाले दोस्त हमारे के जी वो इस बात को नोट कर लें कि जो उन्होंने कहा है कि रात 9 बजे के बुलेटिन में उसको हम पे शामिल करें। बड़ी माजरत के साथ कि हमेशा हम ये बात पूछते हैं, एक्टिव नजर आते हैं, ठीक है सब कुछ होता है, ग्राउंड के ऊपर सब कुछ हमें नजर आता है, जुर्माने भी होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन वो जैसा भी बात कर रहे थे उनकी बात से भी इख्तलाफ नहीं करते कि वाकई हमारे अंदर खुद भी सोसाइटी के अंदर ये चीज हमें समझने की जरूरत है। लेकिन देखिए सिस्टम मौजूद है, आप सिस्टम को चला रहे हैं, रन कर रहे हैं, कानून को आप इम्प्लीमेंट यहाँ पर करना है आपने, और यहाँ पर आपने इस चीज को मेक श्योर करना है कि इन तमाम चीजों को कंट्रोल पर रखा जाए। आपकी भी एक अथॉरिटी है, दूध के मामले पे जो कुछ हुआ वो कराची के लोग यकीनन जानते ही हैं, जिस तरह कीमतों के अंदर चिकन के मामले पर हुआ है। अब उनका कहना यह कि उन तमाम चीजों को छोड़ दिया जाए, यकीनन बहुत सारी चीजों को हमें खुद भी सोसाइटी का एक मेंबर होने की हैसियत से उन तमाम चीजों को कंडेम करना होगा। वो आपको पता है कैंपेन चली थी, कैंपेन चली थी लास्ट ईयर भी चली थी, प्राइसेस को थोड़ी देर के लिए तो शायद उसके अंदर कमी आई हो, लेकिन उसके अंदर कोई ज्यादा खातिर खा कमी नहीं आई। अच्छा एक लाइव कॉलर है कराची से, उनको शो में खुश आमदीद कहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अनवार अल्लाह तबाती अर्ज कर रहा हूं। जनाब फरमाइए क्या कहेंगे। सर बात ये है कि कमिश्नर कराची साहब जो अभी तशरीफ लाए, जी जी जी, असल में इनका जो फोकस होता है, मैं इनको तवज्जो नहीं दिलाना चाहता बल्कि इनको सच चीजें पता है। जी जी, इनका जो फोकस होता है वो रेडी वालों तक होता है, रेडी वालों के पास चले गए उनको। बिल्कुल बिल्कुल, ये रेडी वालों के पास, इनको ये मालूम है कि कराची में कहाँ कहाँ डंपिंग होती है, कोल्ड स्टोरेज है जहाँ पर माल जो है वो रमजान के पहले डंप किया जाता है, कहाँ कहाँ पर जो है ना बड़े बड़े गोदाम है जहाँ पर माल डंप किया जाता है, वो बड़े बड़े व्यापारियों के बड़े बड़े गोदाम है, उन पर ये नहीं जाते, वहाँ पर छापे नहीं मारते। असल में तो रेट वहाँ से बढ़ता है। अब टमाटर है, टमाटर अगर मार्केट से चार्ज कर दिया जाएगा और कोल्ड स्टोरेज में भर दिया जाएगा, अगर खरबूजा है खरबूजा मार्केट से चार्ज कर दिया जाएगा कोल्ड स्टोरेज में भर दिया जाएगा, केला केला मार्केट से चार्ज करके कोल्ड स्टोरेज में भर दिया जाएगा, डंप कर दिया जाएगा, तो लाजमी है जब रेडी वाला खरीदने जाएगा मंडी में उसको महंगा रेट मिलेगा, वो अपने तक लेके आएगा वो महंगा बेचेगा। ये अपने रेट किसको लेके घूम रहे होते हैं। असल बात ये है कि जो वो जगह है जहाँ से सप्लाई हो रही है वो सप्लाई को बेहतर किया जाए। आज ये कमिश्नर कराची साहब कहते हैं कि आप हम तो छापे मारते हैं, लोगों पर जुर्माने करते हैं। जुर्माने आप करते हैं, लेकिन आप उन पर जुर्माने करते हैं जो बेचारा बिहारी का मजदूर है जी। वो 1000 रुपए नहीं कमाता होगा, 1500 कमा लेता होगा रमजान के अंदर। अच्छा गुजारिश है अनवार साहब, आपने बहुत अच्छी बात की और मैं अभी आपका इस बात का जवाब दे रही हूँ। अच्छा गुजारिश है कि देखें आप लोग बता रहे हैं जनरल लेवल पे कि ये इस तरह से हो रहा है, तो सबूत और जो ठोस कंप्लेन है आपकी वो लेकर अभी आपके सामने मैंने उनसे वादा लिया, इसीलिए कि बहस मुबहसा ज्यादा होगा मैंने उनसे, लेकिन वादा लिया कि हम खुद बीच में इसमें मतलब उनके साथ ताबुन करते हैं, आप कंप्लेन लाएं और हम उसको उन तक पहुंचाते हैं जो आपकी ठोस कंप्लेंट है, जो कि एक्चुअल कंप्लेंट है। वो ये कह रहे हैं कि उनको कमिश्नर साहब को ये चीजें पता हैं कि कौन से कोल्ड स्टोरेज हैं, कहाँ पे गोडाउन हैं जहाँ पर ये स्टोर किया जाता है, जहाँ पे स्टोर कीपिंग की जाती है, अगर ये उनके खिलाफ कार्रवाई करें या बड़े स्टोर्स हैं यहाँ पे जो बिग जॉइंट्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें, ये जो बड़े सुपर स्टोर्स बने हुए सुपर मार्केट्स हैं यहाँ पर जो प्राइसेस हैं उनका कोई कंट्रोल करने का मैकेनिज्म नहीं है, वो अपनी प्राइसिंग के ऊपर तमाम चीजों को बेच रहे हैं, उसको कंट्रोल किया जाए। और ये बात बिल्कुल सही है कि रेडी वालों के खिलाफ हम देखते हैं कि ये कैमरा जब साथ जाता है तो उनको जुर्माने किए जाते हैं, कि उनका प्रॉब्लम नहीं है, ये जो बड़े बड़े गोडाउन हैं बड़े बड़े लोग हैं जो यहाँ पर स्टोरेज कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, यकीनन उस चीज से वाकिफ होंगे। और हमारी कोशिश इंशाल्लाह यही होगी कि उनको तमाम चीजों की निशानदेही कराई जाए, आपकी जानिब से भी करवाई जाए, आप करवाएं हमें, हम इसको मिलकर कह सकते हैं, क्योंकि देखें हम तनकीद बराए तनकीद या जनरल वे में हवा में बात नहीं कर सकते, हमें चाहिए प्रॉपरली सबूत टोस चीजें कि आपकी कंप्लेन आए बिल्कुल सबूत, हम वो उनको आगे फॉरवर्ड करें, फिर वो एक्शन ना ले तो फिर हम जो है उसके ऊपर एक्शन लेंगे, फिर हम अभी तो हम एग्जैक्टली उनसे मैंने हमने जिस तरह से उनसे वादा लिया कि भाई हम इसमें मैकेनिज्म करते हैं जैसे हम दीगर अथॉरिटीज के साथ करें। मैंने एक मतलब फिर बता दूं मजहबी उमूर के साथ हमारी बात हुई जी, अगेन हज के हवाले से आप अपनी वो कंप्लेन दे सकते हैं जिन एप्लीकेंट्स का नहीं हो सकता अगेन, लेकिन वो मेंशन कर दो जिनके वो प्रॉब्लम थे कि 65 एज या उससे अबव एज का जो मसला उन्होंने 3-4 दफा अगर अप्लाई किया नहीं हो पाए तो हम उनके लिए ब्रिज का काम करेंगे इंशाल्लाह। और इस पे भी जो कराची के लोग हैं जो रेलेवेंट आपकी कंप्लेंट्स है इस हवाले से अशिया खुर्दनोश की जो कीमतें बढ़ रही हैं जहां मनमानियां हो रही हैं कहीं कुछ उस तरह की चीज है जो मिसमैनेज है
और आपको नजर आ रहा है वो आप हम तक कंप्लेन पहुंचा सकते हैं। और हमारी कोशिश है कि हम कमिश्नर कराची से जो है ये मामला आपके लिए जो है वो तय करें। जाते जाते आज के प्रोग्राम के में आज के वार्डरोब की बात करते हैं। आज का वार्डरोब हमें स्पॉन्सर किया है जी आयका ब्रांड है आयका क्लोथिंग के नाम से। रूज इफ्तिखार बहुत प्यारी थी, बहुत अच्छी थी, हमारी डिजाइनर है जो कि बहुत खूबसूरत से कट्स पे डिजाइन बनाती है जी, ड्रेसेस बनाती है। एंड कीप इट अप उरूज, आप इसी तरह से काम करती रहे। इनका ऑनलाइन स्टोर है जी और इनका फेसबुक पर भी पेज है और इंस्टा पे भी आप उसे जाके वहां विजिट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और ये बहुत सारे खूबसूरत से जो अटायर्स हैं, ड्रेसेस हैं, आप वहां से जाके परचेज करें। बिल्कुल जी, प्रोग्राम का यहां पर इख्तिताम होता है और बहुत शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने प्रोग्राम में कॉल की, बिलखसूस लाहौर के रहने वाले लोग जिन्होंने प्रोग्राम देखा। आपके मसाइल के लिए जरूर आवाज उठाएंगे, इसकी बात भी करेंगे। आपकी जानिब से निशानदेही का सिलसिला इसी तरह जारी रहना चाहिए। प्रोग्राम को देखने का, सराहने का बहुत शुक्रिया। आप अपने मसाइल के बारे में जरूर बात कीजिए। हमारे प्रोग्राम का मकसद सिर्फ यही है कि आपके मसाइल को ज्यादा से ज्यादा उजागर किया जाए और इसके ऊपर प्रोग्राम गुफ्तगू की जाए। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह एक नए मेहमान एक नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। मोहम्मद यासर और गुड मॉर्निंग कराची की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।